हाय क्रिश्चियंस, तो अभी हम लोग अवेलेबल हैं येलो बुक का ऑनलाइन सॉल्यूशन करने के लिए आईयूपीएससी पार्ट पे। मैं आपको बता दूं कि हमारा येलो बुक का पार्ट चल रहा है अभी, तो हम उसके अंदर ए ऑप्शन यानी येलो बुक के सॉल्यूशन जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, तो अभी हम येलो बुक के सॉल्यूशन के पे बात कर रहे हैं। ये आपका 11th का पार्ट हो गया, ये आपका 12th का पार्ट हो गया, और ये आपका एडवांस का पार्ट हो गया। ये 11th यानी ये द्वापर बातचीत के लिए तीनों एक साथ अवेलेबल है। ठीक है, तो जरा कहानी को शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए हम आज पढ़ेंगे अपने 1, 2, 3, 4, 5th ऑप्शन पे, जिसका नाम है आईयूपीएसी नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन पे। आपकी स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वो सिंपल सा पूछा गया, द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। बेटा ऐसे क्वेश्चनों में आपको डायग्राम पहले बताने पड़ेंगे। जैसे आपके पास है आइसोब्यूटेन, तो आपके पास ये ऑप्शन हुआ। आपके पास 2,3-डायमिथाइल ब्यू टू इन, तो पहले ये बनाइए, ये 2,3 ऑप्शन बनाइएगा। ऑप्शन नंबर सी साइक्लोहेक्सेन, तो ये आपने साइक्लोहेक्सेन बना दिया। ऑप्शन डी आपने प्रोपीन, तो प्रोपीन बना लिया। अब वो कह रहा है मेरे पास ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए पंगा क्या हो रहा है। ये आपको प्राइमरी नजर आ रहे हैं, बट ध्यान से देखो यहाँ पर एक सेकेंड थर्ड थ्री तो नजर आ रहा है, ये 3DH हो गया, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो ये सब प्राइमरी है। ओके, अब बच्चा आर्ग्यूमेंट करेगा बीच में, पर बेटा बीच में कार्बन क्लीनसी ऑलरेडी 4 कंप्लीट हो चुकी है, तो पक्का आप कहाँ से यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस कहानी को डील करने के लिए। तो टेक्निकली आपके पास बहुत सिंपल सा फंडा, यहाँ पे आंसर के रूप में केवल बॉम्बे आएगा, बिकॉज उसमें सारे आंसर आएंगे। यहाँ पे आप कहोगे सर ये भी तो है, पर बेटा यहाँ पे सारे के सारे 2DH हैं, और आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए थे प्राइमरी यानी 1DH के लिए, तो टेक्निकली आप 1DH के रेस्पेक्टली बात करना चाह रहे थे, तो उस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पर केवल इसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा गया था स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने समझाया था कि ऐसे हो तो कुछ और, 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 उसी को अप्लाई करने का आज टाइम आ गया है। क्या आपको लगता है कि ये जो जुड़ा हुआ है ये आपका सेकेंडरी कहलाता है, ये जो है ये सिंपल ब्यूटाइल कहलाता है, ये जो है वो टर्शरी कहलाता है, और अगर इसके साथ बीच में एक CH2 आ जाए तो पक्का आपका आंसर यहाँ पर दिल्ली के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर एज ए आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करना चाहेंगे इस कहानी के लिए, क्या पूछा, उसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन आपका ये ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको आप ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फ्री चॉइस आप पे छोड़ा है मैंने कि आपको कैसे लिखना आना चाहिए, इट्स योर फ्री स्टाइल, आप कैसे भी लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर CH3 CH3, इसको इस तरह से इथाइल भी लिख सकते हो, पर समझदारी है ऐसे लिखो कि ढंग से दिख जाए। क्या पूछा है उसने, स्टेटमेंट देख के आपको परेशान करने की कोशिश करिए, 3CH2 CH3, तो बेटा ये आपके पास 3CH3 आ गया। अगला ऑप्शन 1CH2, तो भैया ये आपका 1CH2 आ गया, वो भी दिख ही रहा है आप लोगों को। उससे अगला वो आपसे पूछ रहा है यार मेरे पास 1CH ग्रुप है, तो भैया यहाँ पे 1CH ग्रुप भी दिख रहा है। और क्या पूछा है, इट हैज़ द कार्बन विच इज़ नॉन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, बेटा यानी 4 डिग्री, तो बेटा 4D कार्बन तो एप्लीकेबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पक्का आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए, बिकॉज इसमें 4 डिग्री कार्बन ही नहीं है। नॉन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन का मतलब वो बोलना चाहता है कि 1, 2, 3 के साथ 4 डिग्री भी इसमें है, जबकि हम जानते हैं यहाँ पे 4 डिग्री नहीं है, लैंग्वेज का इश्यू हो सकता है। अगला ऑप्शन आपके सामने पूछा है इसका यूपीएससी नेम, पर डायग्राम हैंडल करते समय थोड़ा सा ढंग से अरेंज कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको आसानी से हम बेवकूफ बना सकते हैं। तो बेटा ये आपका CCl3, ये आपका CCl3, और ये आपका अवेलेबल है CH2 CH3 लाइक दिस। अगर आपके पास ये अप्रोच अवेलेबल तो आप किसी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज टेक्निकली ये दोनों ग्रुप सेम ग्रुप नजर आ रहे हैं, और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेट कीजिएगा। अच्छा शायद यहाँ पे, यहाँ पर एक एच है। ओके ओके ओके, क्योंकि ध्यान से यहाँ पर Cl2 लिखा हुआ और यहाँ पर CCl3 लिखा हुआ है, पर आप जानते हो अगर ऐसा कर भी रखा तो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये आपका कहलाएगा डाईक्लोरो। बच्चे छोटा ब्रांच की सब ब्रांच डाई से शुरू होती है, और ये कहलाती है ट्राईक्लोरो। आपको बता रहा हूँ डाउट कहाँ आएगा, डाउट आएगा सर डी या टी को काउंट करना है या नहीं करना है। तो बेटा हमने एक रूल सीखा था, जब भी ब्रांच की सब ब्रांच हो जाए, ब्रांच तक डाइट्राई नहीं कंसिडर करते हैं, बट जब ब्रांच की सब ब्रांच हो जाए तो हम उस डाइट्राई को कंसिडर करते हैं। दिस वेरी फंडामेंटल गेम, तो बेटा यहाँ डाई कंसिडर हो रहा है, इसलिए चूंकि प्रॉब्लम क्या आएगी, इधर से नंबरिंग दूंगा
तो भी वो 1 2 3 आएगा, उधर से भी 1 2 3 आएगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है 3 4 3 4 सेम आने पर हम किसको प्रीफर करते हैं, तो फिर हम लोकेंड के हिसाब से डाई ट्राइमेट डे को पहले प्रीफर करते हो, दैट्स द फंडा। इससे आपको बोलना है 3 डाई क्लोरोमिथाइल देन 4 ट्राई क्लोरोमिथाइल देन हेक्सेन, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे। तो इसका बेसिक फंडा है कि आपने यहाँ पर लोकेंड सेम होने के बाद अल्फाबेटिकल देखा, और अल्फाबेटिकल में भी ब्रांच सब ब्रांच होने के कारण आपने डाई ट्राइमेट डाई को कंसिडर किया है, दैट्स द थिंग। मैंने सोच समझ के क्वेश्चन रखा है यहाँ पे ताकि आपके रूल्स क्लियर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो बेटा जरा ध्यान से देखो, इस कहानी को देख के बहुत कुछ समझ में आता है कि यार ये CH2 का होल 4 है, तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि यार ये नहीं होना चाहिए, वास्तव में ये होना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारी पेरेंट चेन की जो नंबरिंग है ना वो हम आसानी से दे पाते लाइक दिस। अब बस पेरेंट चेन की नंबरिंग चेक कर लो, क्योंकि वो आपका एक बेसिक फंडा हो सकता है। तो मुझे देख के लग रहा है कि यार ये आपकी लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखो ध्यान से, इसमें कार्बन ज्यादा ही नजर आ रहे हैं मेरे हिसाब से। एक बार पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग आ गई तो फिर बस नंबरिंग करना तो बहुत आसान हो जाता है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच और ये आपकी ब्रांच। लिखते समय हमें पता है इथाइल पहले आता है, तो हम इथाइल को पहले, तो इससे 4 इथाइल, लकीली ये रहा आपका 4 इथाइल, फिर 4 5 डाइमिथाइल। अब बच्चे का आर्गुमेंट है, सर डी को पहले लिखो। हाँ, ये नॉर्मल ब्रांच है, नॉर्मल ब्रांच में डाइट्राई कंसिडर नहीं करते। मैंने दोनों रूल्स एग्जाम्पल साथ में केवल इसलिए रखे कि आपको दोनों एग्जाम्पलों से समझ में आए कि डाइट्राई कब कंसिडर करना है और डाइट्राई कब कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, बाकी काम आपका सेट है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये भी तरीका होता है क्वेश्चन प्रूव करने का, BRCl CI दे रखा है और ये CF3। बच्चे थोड़ा सा गलती करेंगे, ऑपरेटर का इश्यू हो सकता है कि ये CI होना चाहिए। तो बेटा एक्चुअली ये आपका CF3 है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख के भी समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आ रहा है BRCl और I आ रहा है। नाउ द प्रॉब्लम विल बी नंबरिंग कहाँ से दे। तो बेटा सारे के सारे एच को हटा के आपने यहाँ पे ये लगा दिया, तो टेक्निकली ये आपका 1 1 1 2 2 2। अगर मैं इसको 1 2 लिख दूँ, अगर मैं इधर से 1 2 लिख दूँ तो भी आपका 1 1 1 2 2 2 आएगा। तो रूल कहता है कि अगर लोकेंड सेम आता है तो अल्फाबेटिकल पहले जीतता, अल्फाबेटिकल में पहले ब्रोमीन जीतता, यानी हम पहले इसको ही प्रीफर करेंगे। बट ये तो हो गया नंबरिंग का रूल। दो रूल सिखाए थे, एक होता है नंबरिंग का रूल, एक होता है नंबरिंग के सिवाय राइटिंग का। तो राइटिंग का रूल वो अल्फाबेटिकल चलता है, उस पर नंबरिंग का रूल नहीं चलता। तो दिमाग मत लगाओ, राइटिंग के हिसाब से अल्फाबेटिकल को जिता दो, ये आपके अप्रोच को सही कर देगी और आपका आंसर भी सही सलामत हो जाएगा। तो उस कंसेप्ट में हम इसको यूज करेंगे, एक से 1 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिक में 1 ब्रोमो बस काम हो गया, 1 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, फिर ट्राई फ्लोरो, फिर 1 आयोड, क्योंकि हमें पता है पहले बी फिर सी फिर एफ फिर आई के हिसाब से जीतेगा, उसके बाद 1 आयोडो इथेन, ताकि आपको अप्रोच करने में कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। अगला जो यूपीएससी नेम लिखा है डायग्राम को देखे, सर ये तो अल्फाबेटिकल मिस्टेक है बेटा, एक्चुअली वो साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहा है, साइक्लोप्रोपेन पे ऐसे मिथाइल लगा रखा है। अब लिखने का तरीका है, कोई ऐसे लिखे, कोई ऐसे लिखे, कोई हंसते हुए दिखाए, कोई रोते हुए दिखाए, ऐसे अलग अलग स्टाइलें बनाते रहते हैं लोग। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यार ये सब एक ही एक टाइम पास करने की कोशिश ना करें। ये आपका सिंपल 1 2 3, चूंकि ये दोनों ब्रांच। आपको ये भी बता दूं कि आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि जॉइंट अकाउंट खोल के बैठे और 1 2 3 4 5 लिख के निकल लो, ऐसा नहीं होता। रिंग की अलग नंबरिंग होती है, ओपन चेन की अलग नंबरिंग होती है। तो आप 1 2 3 लिखते हुए से 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दैट्स वाई हम यहाँ पे 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन आपका आंसर सी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, बताइए क्या जज करना है। तो भैया सबसे पहले तो आपको देखना है लोकेशन, यहाँ पे देखो 1 के बाद 2 पे ब्रांच आ रही है एक, और यहाँ पे 1 के बाद 2 पे 2 ब्रांच आ रही है। और हमने रूल सीखा है जिसकी ओर से ब्रांच ज्यादा होती है उसको बोलते हैं मिनिमम लोकेंड रूल। कॉमन सेंस है, इधर से जाओगे एक ब्रांच मिलेगी, उधर उसी पोजिशन पे 2 ब्रांच, तो जिसके पास ब्रांचेस ज्यादा हो हमारी नंबरिंग का रूल वहीं से डिसाइड होता है। देख दे, यहीं पे पंगा हो सकता था मेरे हिसाब से। तो भैया नंबरिंग यहाँ से करनी होगी, ये आपका 1, क्योंकि यहाँ ब्रांचेस पे 2 पे 2 ब्रांच है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, यानी ये भी ब्रांच ये भी ब्रांच ये भी ब्रांच ये भी ब्रांच ब्रांच ही तो है। देख सो 5 मिथाइल है, तो पेंटा मिथाइल पर लोकेशन बताइए भैया, क्या बोलोगे? 2 2
2 2 6 6 7, आई थिंक कहीं ऑप्शन सेट नहीं हो रहा, 2 2 6 6 7, देन पेंटा मिथाइल ऑक्टेन, तो एकदम तमीज से सेट है, 2 पे 2 ब्रांच। अच्छा बच्चा सर इधर से ब्रांच क्यों नहीं करी, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्यों नहीं करी, वो भी चेक कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से करने पर क्या आ रहा है, 2 2 6 6 7, अगर उसकी जब उधर से नंबरिंग करता तो आपकी लोकेशन आती 2 3 3 6 6। अब बताओ रूल के हिसाब से 2 2 बराबर, अब बता ये 2 जीतेगा कि उधर का 3 जीतेगा, इसको बोलते हैं मिनिमम लोकेंड रूल, तो हमने उसलिए हमने उसको जीता है सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन बहुत तमीज से, सेलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द आईयूपीएसी कंपाउंड, पर इसने कॉमन नेम पूछा जो कि जनरली यूनिक होता है, आपको बता दूं ये ऑप्शन होना चाहिए। इस डायग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे आपको फील आ जाएगी कि इसका नाम क्या था, हमने पढ़ा था इसका नाम था आइसोब्यूटाइल, याद है ये हो, कुछ याद आ रहा है तो पता चलेगा ये हो और बीच में एक CH2 तो उसी को बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। एक ट्रिक ध्यान रखना, ये आइसोप्रोपाइल, बीच में एक CH2 आइसोब्यूटाइल, काम सेट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या जज करना है, तो भैया लोंगेस्ट कार्बन चेन देख के ही तो चेन खाओगे, तो लोंगेस्ट कार्बन चेन देखो यहाँ पे देख के लग रहा है कि यार यहाँ एक ही इधर दो, तो इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ देखो यहाँ पर एक तो इधर चले जाओ, फिर और नीचे तो और नीचे चले जाओ, ये रहा लोंगेस्ट कार्बन चेन। अब लोंगेस्ट कार्बन चेन होने के बाद बताओ अगला थीम क्या होना चाहिए, तो अगला आप नंबरिंग पे ध्यान दीजिए, बताओ नंबरिंग के हिसाब से पहले कौन जीतेगा, तो ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच और ये भी एक ब्रांच ही तो है, तो बस नंबरिंग देके गेम को सेट कर लो। क्या नंबरिंग कर सकता हूँ, तो 1 2 3, 3 के बाद बहुत दूर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 3 4 और 6, 3 ब्रांचेज आने से आपका गेम सेट हो रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बाउंड देयर अबाउट द 3 मिथाइल 4 मिथाइल 6, तो 3 4 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला पूछा है आपसे आईयूपीएसी नेम ऑफ नियो पेंटेन, तो पहले नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो आपको बता दूं नियो पेंटेन इज अ वेरी फेमस एग्जांपल लाइक दिस, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, यहाँ पे 2 ब्रांच आ रही है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये आपका बेसिक फंडा हो गया। नंबर 12 आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, बताइए किस जज से किस नाम से यूज करोगे, थोड़ा संभल के हैंडल कीजिएगा, इसके पेरेंट कार्बन चेन में बेटा संभल के 1 2 3 4 बहुत सारे कार्बन, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, और इसके पास केवल 2 ही कार्बन, तो जिसके पास कार्बन ज्यादा हो तो उसको प्रीफर करते हैं। अब ये आपके तो 2 क्लोरो क्लोरो कहलाएंगे और ये आपकी सब ब्रांच कहलाएगी, तो रूल तो कहता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जिता दिया, अब प्रॉब्लम होगी ब्रांच में हम किसको पहले जिताएंगे, रूम रहेगा इसको भी हम बोलेंगे 1 1 डाई क्लोरो, पर बेटा ये आपकी नॉर्मल ब्रांच है तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, पर ये जो लिखूंगा ना ये लिखूंगा 1 1 डाई क्लोरो मिथाइल, सॉरी इथाइल, भैया ये ब्रैकेट में चला गया, और ब्रैकेट में जाते ही उसकी इज्जत बढ़ जाती है, तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से इसका अल्फाबेटिकल के हिसाब से सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि 1 1 डाई क्लोरो इसका डाई कंसिडर नहीं करेंगे और इसका डाई कंसिडर करेंगे, तो लिखते समय आप किसको प्रीफर करोगे याद करो, तो सी ओ डी में सी पहले जीतता है ना, दैट्स वेरी ट्रिकी ऑप्शन, सोच समझ के यूज किया गया, तो सी ओ डी में पहले सी जीतना चाहिए ना, इस सिचुएशन के हिसाब से सी जीतेगा, तो सी के हिसाब से क्या आना चाहिए, पहले आएगा 1 1 डाई क्लोरो, तो पहले 1 1 डाई क्लोरो 1 1 डाई क्लोरो यहाँ भी आ रहा है, फिर 2 के बाद 1 1 1 1 डाई क्लोरो इथाइल, यस 2 2 3 आएगा तो 1 1 डाई क्लोरो इथाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, दैट्स व्हाई योर आंसर इज आगरा, यानी इस समय आपका आंसर की में करेक्शन होगा, मस्त क्वेश्चन है, आपका आंसर यहाँ पे आगरा आना चाहिए, दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन, ध्यान रखने लायक क्वेश्चन था, गॉट द पॉइंट। तो 12th बहुत ही हटकर क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 क्यों आ रहा है, बहुत सिंपल सा फंडा है, क्योंकि हमें ये पता है कि इसका डी कंसिडर नहीं करते तो इसका सी कंसिडर होगा, और ब्रैकेट होने से उसका डी कंसिडर होगा, और हम ये जानते हैं कि सी और डी में पहले सी को जिताते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऊपरटांग स्टेटमेंट आ जाते हैं, सोच समझ करना, बहुत ही मस्त झकास ए ग्रेड क्वेश्चन है, माइनस जाने का बहुत मस्त रास्ता है, संभल के रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, आईयूपीएसी नेम इज करेक्ट, तो भैया इसके लिए पहले डायग्राम बनाने पड़ेगा, आइए जरा देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन, तो पहले पेंटेन देख लिया, फिर 1 2, तो अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 कर लो, 2 मिथाइल 3 इथाइल, शायद सही लग रहा है, ऑप्शन बॉम्बे 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन बना लेते हैं, क्या लिखा है 1 2, अब यहाँ पे लिखा है 2 इथाइल, अच्छा भाई यहाँ पे एक पंगा हो गया, सुन लो, क्योंकि मैं अभी इसको देख के मुझे याद आया, भाई अल्फाबेटिकल की तो वाट लगा डाली, पहले ई आना चाहिए फिर एम आना चाहिए ना, भले नंबरिंग सही है
बट लिखते समय आपने पंगा ले लिया, ई पहले आएगा क्योंकि लिखते समय हम अल्फाबेटिकल में ई को पहले प्रीफर करेंगे, इसलिए ए गलत हो रहा है। यहाँ पे तो वैसी गलती हो रही है, इसको 1 2 लिख ही नहीं सकते बिकॉज लोंगेस्ट कार्बन चेन उधर से आ रही है, तो इसने जो बोला है हम तो यहाँ पे पंगा ले रहे हैं। हमारी लोंगेस्ट कार्बन चेन इस कहानी में यहाँ से आनी चाहिए, ये आपकी लोंगेस्ट कार्बन चेन। तो भैया इसको देख के लग गया कि यार आपके पास लोंगेस्ट कार्बन चेन के नाम पे 6 कार्बन की चेन आनी चाहिए ना भैया, तो आप इसको नंबरिंग देते तो यहाँ से देते 1 2 3 4 5 6, तो बेटा पेंटेन तो गलत है, यहाँ अल्फाबेटिकल का ध्यान रखना था। तो आपको समझ में आया यहाँ अल्फाबेटिकल में गलती कर दी, यहाँ लोंगेस्ट कार्बन चेन में गलती कर दी। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी में क्या लिखा है, 3 इथाइल ई पहले 2 मिथाइल, यस सही सलामत है, ये आपका 3 इथाइल, ये आपका 2 मिथाइल, तो 1 2 3 4 5, आप शायद सी को सही समझ सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, 3 इथाइल 2 इथाइल, यहाँ भी शायद अल्फाबेटिकल का लोचा लिया, देखो ई और एम, तो आई थिंक मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ भी अल्फाबेटिकल के कारण चक्कर पंगा हो रहा, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो सी ऐसा है जिसका सही आंसर आ रहा है। अगला देखते हैं नंबर 14, 14 में क्या लिखा है भैया, तो देखो यहाँ पे लोंगेस्ट कार्बन चेन सर्च करना सबसे मुसीबत का काम होगा, तो चेक करते हैं यहाँ पे इस कार्बन से और इस कार्बन से ब्रांच देखो, तो भाई इधर कार्बन 2 है तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन आएगी, और यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन जोड़ दीजिए, ये आपकी भी लोंगेस्ट कार्बन चेन। अब डाउट ये आता है कि हम किसको पहले प्रीफर करें विद रेस्पेक्ट टू ब्रांच लेवल के लिए, तो भैया आपको समझा दूँ ब्रांच लेवल के लिए आपको बता दूं, यहाँ पे मिथाइल एक ब्रांच है, फ्लोरीन एक ब्रांच है, क्लोरीन एक ब्रांच है, मिथाइल एक ब्रांच है, और लकीली नंबरिंग का जो रूल लग रहा है जो आपको देख के लग जाएगा कि यार इधर से भी 1 2 3 आ रहा, उधर से भी 1 2 3, तो लोकेशन तो बराबर आ रही है। अगर अगर लोकेशन बराबर आ रही है तो इसको ऐसा लग रहा है ये 3 4 5, तो आपको लगेगा यार ये 3 3 5 5 इधर से भी आएगा और 3 3 5 5 इधर से भी आएगा। रूल कहता है कि जब ऐसा हो तो अल्फाबेटिकल देखो, अगर मैं किसी और से भी तो जहां से 3 कम पे आ रहा हो उसको जिता दूंगा। तो भैया फ्लोरो क्लोरो में पहली प्रेफरेंस शायद क्लोरो को होती है, इसका मतलब चूंकि क्लोरीन मिनिमम लोकेशन में पहले जीतेगा तो मैं इधर से ही 1 2 3 रख के आगे बढ़ूंगा, ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। अब लिखते समय आना चाहिए 3 क्लोरो, तो बेटा देखो इस डायग्राम को देखो, 3 क्लोरो ये रहा 3 क्लोरो, फिर आएगा 5 क्लोरो, यस 5 क्लोरो, फिर 3 5 डाइमिथाइल, 3 5 डाइमिथाइल, उसके बाद हेप्टेन। आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे थर्ड आना चाहिए, कहीं टेंशन नहीं, आराम से आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करना चाहेंगे, 15th में यहाँ पे बता दूं यहाँ पे आपके पास मिनिमम लुक एंड रूल का ऑप्शन है, तो आपको ये फंडा ध्यान रखना है ताकि आपको यूज करते समय आसानी हो जाए, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस कहानी के अंदर आप क्या जज करोगे, तो बेटा ये संभल के यूज कीजिएगा। मिनिमम लोकेशन के हिसाब से आपको बता दूं कि आप 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो लोकेशन 1 2 4 आएगी, अगर गलती से आपने इसकी जगह ये लोकेशन को प्रीफर किया लाइक दिस 1 2 3 4, तो आपका लोकेशन 1 3 4 आएगा, हम पहले 2 और 3 में 2 को जिता देंगे, बस ये आपका आंसर है। और लिखते समय केवल अल्फाबेटिकल की बात होती है, यह टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, तो शायद लिखते समय 4 इथाइल पहले आएगा, तो बस 4 4 4 4 ये आपका 4 इथाइल, देन 1 2 डाइमिथाइल, देन साइक्लोहेक्सेन, पक्का आपका आंसर दिल्ली आएगा, कंफर्टेबल होकर बाहर चले जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस तरीके से, याद करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 ही कार्बन है, यहाँ 5 ही कार्बन है, तो बताओ पहले कौन जीतेगा, 8 कार्बन वाला या 5 कार्बन वाला, ऑफकोर्स 8 कार्बन वाला, तो इस पूरे जखीरे को ब्रांच बना लो। अच्छा ब्रांच बना लोगे तो ब्रांच की लोकेशन बताओ भैया, तो ब्रांच की लोकेशन कैसे बताओगे, तो बस मिनिमम लोकेशन के हिसाब से 3 पर आ रहा है, आई थिंक दुनिया में देख लो चारों ऑप्शन देख के, 3 साइक्लोपेंटाइल, फिर तो ऑक्टेन, पक्का आपका आंसर बॉम्बे, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अगला जो एग्जाम्पल आपके सामने अवेलेबल है यूपीएससी नेम, पहले बता दो ये जो ऐसे लिखा ना C4H9, इसको ढंग से लिखो क्योंकि जान करके बेवकूफ बनाया गया, ये वास्तव में ब्यूटाइल ग्रुप है, ताकि पेरेंट कार्बन चेन को जज करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब लोगो वेज द लोंगेस्ट कार्बन चेन, तो भैया कैसे करेंगे, ये आपको लोंगेस्ट कार्बन चेन दिख रही, यहां तक दिख रही है, इधर मिथाइल मिथाइल और वहां पे लंबी चेन है, तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हुई एक तरीके से। बस हम नंबरिंग करके रूल को चेक कर लेते हैं तो गेम सेट हो जाएगा, क्या करना है, तो भैया यहाँ से 1 2 3 4, अब सोचो यहाँ रखूंगा तो ये 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 ये हो गया,
वो उधर से करता तो 1 2 3 4 5 पे आता, तो लकी लिए नहीं भैया अपन तो 3 4 4 को जिताएंगे, ये आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल, बस 3 4 4 ट्राई मिथाइल। और कार्बन कितने हैं भैया 8, क्योंकि ऑक्टेन दिख रहा है तो भैया हेप्टेन तो आ नहीं सकता, ऑक्टेन है। आपका आंसर बॉम्बे कबूल होना चाहिए। अगला पूछा है 18 आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पर संभल के ध्यान से रखिए, इस कहानी में क्या पंगा है, ऊपर की ओर 4 ही कार्बन है नीचे की ओर 6, तो बेटा ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होनी चाहिए ना। रूल कहता है जिसके पास कार्बन ज्यादा जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके पास पेरेंट कार्बन चेन ज्यादा, अगर ये अवेलेबल तो बेटा फिर ये आपका 1 2 3 कहलाएगा, ये आपका ब्रांच हो जाएगा। वी हैव टू कंसिडर इज ए वन मिथाइल प्रोपाइल, आई थिंक कहीं दूर दूर तक तो कोई ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ के, सिंपल वन मिथाइल प्रोपाइल देन साइक्लोहेक्सेन बना के बाहर चले जाना। अगला ऑप्शन आपके सामने बहुत सिंपल तरीके से दे रखा है, कैसे दे रखा है जरा ध्यान से देखो कि थोड़ा सा पंगेदार कहानी है, डायग्राम जैसा रिप्रेजेंट कर रखा है उसमें 1 2 3 4 और ये आपका 5 और इधर 1 2 3, तो भैया आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि इस डायग्राम को अगर मैं इग्नोर करूं तो मैं कम मेहनत पे शायद डायग्राम ऐसे बनाना चाहूंगा, CH2 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 CH3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैंने कार्बन ज्यादा बना दिया है तो मैं एक बार फिर बनाना चाहूंगा। मैं इसको हटा सकता हूँ इस तरीके से ताकि नया डायग्राम बनाने की मेहनत ना करें, और डायग्राम आप ऐसे ही बना सकते हो CH2 CH2 CH2, तो 3 CH2 और ये CH3 खत्म कर, यहाँ भी 3 CH2 और ये CH3। अब बता लोंगेस्ट कार्बन चेन, तो अभी अपन ने जो जज किया है वही अपन का आंसर होगा, ये आपकी कहलाएगी लोंगेस्ट कार्बन चेन, ये आपकी लोंगेस्ट कार्बन चेन, सबको भूल भाल जाओ, ये आपकी लोंगेस्ट कार्बन चेन कहलाएगी। अगर ये आपकी लोंगेस्ट कार्बन चेन कहलाएगी तो फिर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो भैया यहाँ से कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो नेम तो कंफर्म आ ही रहा है मेरे हिसाब से, इतने में तो आंसर आ गया, पूरा खोदने की जरूरत नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं, ये आपकी फिर से ब्रांच बन जाएगी, और हमें रूल कहता है कि ब्रांच की सब ब्रांच को फिर से नंबरिंग दे देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, ये आपकी फिर सब ब्रांच हो गई 2 मिथाइल, तो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल किससे जुड़ा है, 5 से जुड़ा हुआ है, तो भैया 5 से जुड़ा हुआ जो भी ऑप्शन है वही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। अब होता क्या, बच्चे ना थोड़ी सी बेईमानी करते हैं कि मैं क्यों एक्सपांशन करूं, मैं मेहनत क्यों करूं, तो भैया तो अगर मेहनत नहीं करेगा तो फिर क्या पेपर में ताली बजाएगा, आपको ये सब काम तो करने ही होंगे, दिल दिमाग मत लगाना नहीं तो आप परेशान हो जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आपकी स्किन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल होना चाहिए, अगेन लोंगेस्ट कार्बन चेन की फीलिंग आ रही है थोड़ी सी, तो देख लेते हैं भैया लोंगेस्ट कार्बन चेन की फीलिंग क्या, आपको लगता है कि लोंगेस्ट कार्बन चेन की फीलिंग में इधर आपके पास 2 ही कार्बन और यहाँ पे आपके पास 1 2 3, तो भैया तो लंबा गेम है ऐसे खेल लो, और क्या है ये आपका लोंगेस्ट पेन कार्बन चेन तो तय हो गई, बस बस अब डाउट क्या आएगा भैया नंबरिंग करके बताओ किधर से करने का। अब यहाँ पे पंगा क्या है वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हटकर पर अच्छा समझ में आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरो है और यहाँ ब्रोमो है, यहाँ ब्रोमो है और यहाँ क्लोरो है उत्तरी, यानी यहाँ भी अल्फाबेटिकल है वहाँ भी अल्फाबेटिकल बराबर है, लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा है ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए, जो बोल रहा था ध्यान सुनना क्योंकि बहुत मस्त क्वेश्चन है, सही सिक्वेंस के हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा, ना हो तो प्रॉब्लम विल बी कि सर हम इसको कैसे जज करें। आप सुनिएगा, अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखूं तो मेरी लोकेशन 4 5 आ रही है, तो अगर मैं इधर से भी लिखूं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरी लोकेशन इधर से भी 4 5 आ रही है, उधर से भी 4 5, अब 4 5 4 5 बराबर हो तो हमें क्या करते हैं अल्फाबेटिकल देखते हैं, अब किस्मत सही सलामत है कि यहाँ पे भी ब्रोमो क्लोरो है, दिख रहा है आप लोगों को, और वहां पे भी ब्रोमो क्लोरो है, तो फिर आगे बढ़ो आगे रुक रहा नहीं, अगर अल्फाबेटिकल बराबर तो अल्फाबेटिकल की नंबरिंग भी देखो, मतलब ये कि आपकी जो सब ब्रांच है यहां पर ब्रोमो है पर ये 2 ब्रोमो 1 क्लोरो कहलाएगा, यहाँ पे ये 1 और ये 2 है तो यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो कहलाएगा, हमने बोला था अल्फाबेटिकल लोकेंड सेम हो तो अल्फाबेटिकल को प्रेफरेंस दो, अल्फाबेटिकल सेम हो तो फिर उसमें वापस मिनिमम लोकेंड को प्रेफरेंस दो, यानी हम उसको जिताएंगे जिसका 1 लोकेशन पहले आता है, बोलो मस्त क्वेश्चन है कि नहीं है। इसका मतलब ये कि सारी कहानी एक तरफ, हमें ये समझ में आया कि ये आपकी पेरेंट चेन होनी चाहिए
और चूंकि ये ब्रोमीन यहां पहले वन पे आ रहा है तो मैं इसके हिसाब से इसको 1 2 लिखूंगा और मैं नंबरिंग इस तरह से देना पसंद करूंगा, यानी ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 6 7 8 और ये आपका 1 और ये आपका 2। मैंने 1 ब्रोमो को प्रीफर किया, यहां भी है बट बेटा ये 2 ब्रोमो कहलाएगा। तो पहले 4 लिखो, फिर लिखो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथाइन, 4 लिखो। 4 लिखने के बाद इंटरेस्टिंग कैसे, 2 नहीं लिखोगे, पहले लिखोगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथाइन, फिर क्या लिखोगे 5 के बाद, अब लिखोगे 2 ब्रोमो, या लिखते समय अल्फाबेटिकल पे लिखते हैं 1 क्लोरो इथाइल फिर ऑक्टेन, दैट्स व्हाई दैट्स अ बॉम्ब। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखा समझ में आया कि हमने सीखा हम मिनिमम लोकेंट देखते हैं, मिनिमम लोकेंट हो तो फिर अल्फाबेटिकल देखते हैं, मिनिमम लोकेंट भी सेम हो अल्फाबेटिकल भी सेम हो तो अल्फाबेटिकल की वापस मिनिमम लोकेंट यानी सब ब्रांच की मिनिमम लोकेंट देखते हैं। अच्छा बोलेगा सब ब्रांच की मिनिमम लोकेंट सेम हो तो फिर आगे बढ़ उसका अल्फाबेटिकल देख, वो भी सेम हो तो बेटा फिर डाइटा टेटा लिख के बैठ जा, क्योंकि जब सब कुछ सेम है तो फिर तुझे डाइटा टेटा है तो लिखना ही लिखना है, या बेस्ट टेस्ट डेटा किस लिखना ही लिखना है, क्यों दिमाग लगा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बताओ वेर इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो भैया 1 आइसोप्रोपाइल पूछा तो केवल 1 आइसो की बात करेंगे, जैसे लिखा है 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, तो भैया ये तो आपका 2 2 3 3, इसको देखे तो टर्शी की फीलिंग आ रही है भैया, ये तो आपका टर्शी एग्जाम्पल हो गया। ऑप्शन बी 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन, तो बेटा इसको देख के भी टर्शी की फीलिंग आ रही है। ऑप्शन सी 2 2 3, तो 2 2 3 इसको देख के भी टर्शी की फीलिंग आ रही है। ऑप्शन डी 2 मिथाइल पेंटेन, तो बेटा ये देख के समझ में, हाँ जी ये रहा आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, कबूल है आपका आंसर दे लिया आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, मस्त क्वेश्चन है आईयूपीएसी द फॉलोइंग कंपाउंड, अब ध्यान से देखो आपको बस उस पे ध्यान देना है जो नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा का मतलब ये जो ब्रैकेट से बाहर है, तो ब्रैकेट से बाहर मुझे केवल 3 चीजें दिख रही, केवल मुझे 3 कार्बन दिख रहे हैं, बाकी सब इग्नोर करो। बाकी इग्नोर का मतलब ये कि आपको ये समझना होगा कि ये जो ब्रांच है ना ये इससे जुड़ी हुई है, ये जो ब्रांच है वो इससे जुड़ी हुई है, ये जो ब्रांच है वो इससे जुड़ी हुई है। अब ये जो ब्रांच है दिख रही है, उधर तो कोई है ही नहीं तो पक्का फिर इधर से जुड़ी हुई है, क्योंकि लास्ट वाले का ही पंगा हो। एक बार चेक कर लेते, दिमाग का ढक्कन ढंग से खुल जाएगा, कैसे खुलेगा देखो। आपको पहले समझ में आया कि मुझे तो 3 कार्बन ही नजर आ रहे, कलरफुल करने से फील अच्छी आ जाएगी। क्या लिखा होल ट्वाइस, किसको इथाइल, तो भैया इसका मतलब यहाँ पर CH2 CH3 है, यहाँ पर भी CH2 CH3, मतलब पहले मेन कार्बन को लिखो फिर उसकी ब्रांच को लिखो, ऐसे समझो। अब जैसे यहाँ मिथाइल लिखा तो ऑफकोर्स ये मिथाइल यहाँ होगा, अब डाउट है सर ये इथाइल तो इधर मत लिख देना, उधर वाले पे जाएगा तो ये इथाइल यहाँ पे जाएगा। अब सर ये इसके आगे कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर पक्का इसी जगह पे ये ब्रांच बन जाएगी, बट इसमें प्रॉब्लम हो रही सर कार्बन की वैलेंस यहाँ कम नजर आ रही है। टेंशन मत लो, उसने नाम में देखो ढंग से इन लिख रखा है, इसका मतलब पक्का यहाँ पे पाई बोन होना चाहिए। ये पहला बेसिक रूल है जो आपको यहाँ सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आधे लोगों को तो एक्सपांशन करना ही नहीं है, तो बाकी चीज़ तो बात की बात है। अब ये सब करने के बाद अब आओ पेरेंट कार्बन चेन पे सेलेक्ट करते हैं, तो भैया पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कैसे करते हैं जरा बात कर लेते हैं इस कहानी में। क्या आपको लगता है लोंगेस्ट कार्बन चेन में पाई बॉन्ड को प्रिफरेंस, तो एक इथाइल को प्रिफरेंस करते हुए लोंगेस्ट कार्बन चेन देखते हुए यहाँ पे आ जाओ, ये आपके भी लोंगेस्ट कार्बन चेन। अब लोंगेस्ट कार्बन चेन आगे तो भैया नंबरिंग करके बताओ, नंबरिंग करके बताना है तो नंबरिंग कर लेते हैं। पाई बॉन्ड को मिनिमम लोकेशन, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7। ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, जो नंबरिंग से बच गए वो सब ब्रांच कहलाते हैं। तो भैया अब यहाँ पे लिखते समय अल्फाबेटिकल देखते हैं, ध्यान से देखो 4 6 डाइमिथाइल आ रहा है और 3 और 5 पे डाई इथाइल आ रहा है, तो लकीली 3 5 डाई इथाइल तो तीनों में ही आ रहा है। आगे पढ़ते हैं 4 6 डाइमिथाइल, बस यहाँ काम हो गया, 4 6 डाइमिथाइल एक ही के पास आ रहा है, ठीक है इनके अंदर आगे पीछे भी बात कर लेते हैं। 5 वाला क्या होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल होना चाहिए, हमने कहीं पढ़ पढ़ रखा है, या 1 मिथाइल इथाइल होना चाहिए, कि अल्फाबेटिकल के हिसाब से हमको ध्यान ना पड़ा तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, या अब यहाँ पे पंगा हो रहा है कि सर एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो भाई आई यहाँ आ रहा है और एम बी यहाँ पे आ रहा है, वास्तव में ये नाम भी सही है बट ये नाम भी सही पूछा यूपीएससी था, ये कॉमन नेम को एक्सेप्ट किया है। रूल कहता है कि जहाँ ब्रांच की सब ब्रांच हो तो उसको फिर से नंबरिंग करके 1 मिथाइल इथाइल
अल्फाबेटिकल में या मिथाइल और या मिथाइल इथाइल है, तो दैट्स वाई मल्टीपल चॉइस होता तो ए बी दोनों सही होता, पर चूंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो मैं प्रेफरेंस ए को ज्यादा दूंगा, बिकॉज कॉमन नेम और आईयूपीएससी में हम कॉमन नेम को ज्यादा प्रीफर नहीं कर सकते, हमें आईयूपीएससी को प्रीफर करना पड़ेगा। इस चीज इस एग्जाम्पल से दो चीजें सीखी, एक क्या चीज सीखी, एक्सपांशन कैसे करना, ब्रैकेट को छोड़ के बाकी सब कार्बन को सेट कर लो, फिर जो भी उस कार्बन के आगे की ब्रैकेट है उसको उस पर चिपकाते चले जाओ ताकि हमें डायग्राम ढंग से मिल जाए। फिर दूसरी चीज ये सीखनी पड़ेगी कि आपको अगर गलती से दो नाम से मिल जाए पूछा यूपीएससी गया हो रहा हो सिंगल चूज, अगर मल्टीपल तो दोनों आंसर सही है, आइसोप्रोपाइल को आप वन मिथाइल इथाइल लिख सकते हो, पर अगर यूपीएससी पूछा और ऑप्शन अवेलेबल है तो हम ऑफिशियली वन मिथाइल इथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे आइसोप्रोपाइल से। ये फंडा ध्यान रखना, थोड़ा हटकर है पर अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भैया, विच द फॉलोइंग कंपाउंड हैज टू आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड 1 4 डिग्री कार्बन एटम। आइसोप्रोपाइल भी चाहिए 4 डिग्री भी चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए में 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, तो बेटा इसमें तो आइसोप्रोपाइल आ तो रहा है पर 4 डिग्री नहीं आ रहा। ऑप्शन बॉम्बे क्या लिखा है, 2 2 4 ट्राइमिथाइल, तो भैया 2 2 4 ये आपका हो गया, ये टर्शरी आ रहा है पर उधर का पंगा हो रहा है और ये टर्शरी हो रहा है, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए था आइसो 2 2 डाइमिथाइल, तो बेटा ये भी टर्शरी हो रहा, नहीं चाहिए। ऑप्शन डेली 2 3 3 4 बस काम हो गया, ये आपका 2, ये आपका 3 3, ये आपका 4, तो रूल क्या कहता है दो आइसोप्रोपाइल तो दो आइसोप्रोपाइल बराबर दिख रहे हैं और एक 4 डिग्री, तो देखो ये वाला कार्बन 4 डिग्री कार्बन है, दैट्स व्हाई आपका आंसर यहाँ पे दे लिया आना चाहिए कि दो आइसोप्रोपाइल भी हैं और 4 डिग्री कार्बन भी आ रहा है। अगला बहुत ही सिंपल सा फंडा, वेयर इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो भैया सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आंसर देते हुए आगे बढ़ो ताकि अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाए। कैसे, ये देखो इस कार्बन को देख के लग रहा है कि यार ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट होना चाहिए, इस कार्बन के बाद आगे बढ़ने पर अब यहाँ डाउट होगा कि इधर 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3, तो भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यही आपकी पेरेंट कार्बन चेन होनी चाहिए। अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होंगे तो भैया फिर ब्रांच की बात करनी पड़ेगी, ब्रांच में कौन कौन आता है उसको जज करना समझदारी कहते हैं कैसे, तो कलरफुल कर देते हैं थोड़ा सा, ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है और ये भी आपकी ब्रांच है। रूल के हिसाब से अब चेक कर लो, तो ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच, इथाइल पहले आता है पर नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो बेटा नंबरिंग वहीं से दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपकी ब्रांच के लगी, तो लिखते समय पहले क्या आना चाहिए था अल्फाबेटिकल में, पहले इथाइल, तो पहले इथाइल आएगा तो आएगा आपके पास में 5 इथाइल 4 मिथाइल, तो आई थिंक इतने में तो आंसर आ गया। फिर भी चेक करेंगे 6 के बाद, ये आपकी 6 लोकेशन थी, अगेन इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी, तो वापस इसको 1 2 3 नंबरिंग दे के इसको ब्रांच समझो, नेक्स्ट नोन एज ए 2 मिथाइल देन प्रोपाइल, तो ऑफ कोर्स 6 के बाद 2 मिथाइल प्रोपाइल लास्ट में डेकेन आ रहा है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस, यानी आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, फाइंड आउट द करेक्ट आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन 1 टर्शियबुटाइल एंड 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज डेड, तो 1 टर्शियबुटाइल एंड 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप की बात करना चाहते हो। ऑप्शन चेक करते हैं क्या लिखा है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन बना लो, 3 3 बना लो, 3 4 4 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, तो बेटा 25 में तो पंगा, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 1 2 3 4 3 और 4 4 पे बनाओगे तो पहली बात पेंटेन तो वैसे गड़बड़ हो गया यार, कैसे बना रहे हो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ध्यान रखना चाहिए था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से ये आपके पास 5 कार्बन की चेन होनी चाहिए। ऑप्शन बॉम्बे 2 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2 2 3 शायद लकीली ये सही लग रहा है, 1 2 3 4 2 2 3 शायद ये सही दिख रहा है, फिर भी आगे बढ़ेंगे और लग भी रहा है कि इसमें 1 टर्शियबुटाइल दिख रहा है और 1 आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, बराबर सेट है। सी पे भी बात कर लेते हैं, पर चेक करने में कोई बुराई नहीं है, 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, तो बेटा यहाँ पे 2 2 3 3 लिखोगे तो पंगा क्या हो जाएगा, पंगा ये हो जाएगा कि इस सिचुएशन में ये भी टर्शी और ये भी टर्शी, तो यहाँ पे दो दो टर्शी आ जाएंगे, वो तो पंगा हो जाएगा। ऑप्शन डेली 3 4 5 ट्राइमिथाइल पेंटेन, तो भैया ये आपका 3 4 5 3 5 4, तो ये तो वैसे ही गड़बड़ दिख रहा है, 3 हो गया 4 हो गया,
अब फाइव, तो ये तो आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, ये आपका ऑप्शन। तो बेटा यहाँ भी आपने, ये आपका 1 2 3 4 5, तो सिक्स कार्बन है, ये भी गड़बड़ लग रहा है। आपके पास केवल कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है बॉम्बे, जिसका परफेक्ट आंसर दे सकते हो। अगला ऑप्शन क्या पूछा है, वर्ड फॉर द यूपीएससी ने द फॉलोइंग कंपाउंड, इसके अंदर पेरेंग कार्बन चेन, तो पेरेंग कार्बन चेन को देख के आंसर दिया जा सकता है। कैसे आंसर दोगे जरा चेक करते हैं, कैसे दोगे? तो भैया लोंगेस्ट कार्बन चेन ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ देख लो, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ से होते हुए नीचे जाके देख सकते हो लोंगेस्ट कार्बन चेन, जिसका आंसर दे सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पक्का नॉन एन दिख के आगे बढ़ जाना। अगला ऑप्शन आपके पास, ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी लोंगेस्ट कार्बन चेन तो वैसे दिख रही है, कहीं दिमाग मत लगाओ। अब ये भी आपकी ब्रांच है और ये भी आपकी ब्रांच है, तो भैया किसको जिताएंगे? नंबरिंग देख के आंसर दो ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। कैसे जिताएंगे? तो भैया देखो ध्यान ध्यान से क्या हो सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब इधर से भी 4 5 बराबर आ रहा है, उधर से भी 4 5 बराबर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ब्रांच लिखोगे तो ये आपका कहलाएगा 1 मिथाइल इथाइल, और ये आपकी ब्रांच हो जाएगी, सब ब्रांच हो जाएगी, तो ये आपकी कहलाएगी 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। यहाँ पे डी आ रहा है, तो हम रूल के हिसाब से, अल्फाबेटिकल के हिसाब से, क्योंकि सब ब्रांच ही सब ब्रांच है, डी पहले इज्जत देनी पड़ेगी, यानी इसको पहले प्रेफरेंस दो। तो भैया नंबरिंग आप ऐसे दो कि इसकी लोकेशन मिनिमम आए, 4 आ जाए, 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर आ गया। देख सब, यू हैव टू कंसीडर 4 के बाद 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, देन 5 1 मिथाइल इथाइल, देन ऑक्टेन। देख सो योर आंसर इज बॉम्बे। अगला जो ऑप्शन के सामने अवेलेबल है, वो किस फॉर्मेशन के रूप में यूज किया जा सकता है? पहले समझ लो कि यहाँ पे जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, इसको ब्रांच मान के उधर जाना पड़ेगा। तो भैया यही बेवकूफी जो जनरली भी बताई थी मैंने, आपके पास ये ऑप्शन होने के बाद यहाँ पर CH2 CH2 CH3 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड बन रहा है। ये सीखो, रूल कहता है जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। भैया पाई बॉन्ड तो पहले ये जीतेगा, अब इसके बाद देख लो किधर जाऊँ, इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3, तो किसी भी एक तरफ चले जाओ। अगर ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, तो समझ जाओ कि भैया ये जो बच गया ना, ये तुम्हारी ब्रांच होगी। तो क्या नाम होगा, एन प्रोपाइल तो नहीं बोल सकते, वैसे टेक्निकली बोलना चाहिए था 1 2 3 4 5 6, हेक्सीन होना चाहिए, और 3 पर प्रोपाइल होना चाहिए। पर बेटा एक्चुअली 3 पे कोई ऑप्शन सेट ही नहीं हो रहा है, इसको छोड़ के 3 पर इथिलीन तो आ ही नहीं सकता, पक्का 3 प्रोपाइल, एन लिखना वैसे गड़बड़ है, 3 प्रोपाइल 1 हेक्सीन होना चाहिए। पर बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में आप बॉम्बे लिखो, वैसे इसका सही आंसर होना चाहिए 3 प्रोपाइल हेक्सीन, 1 भी लिखने की जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से, बिकॉज पता है जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। अगला, स्वस्तिक का साइन दे रखा है, तो भैया लोंगेस्ट कार्बन चेन देख लो, लकीली चारों लोकेशन बराबर डिस्टेंस पर है, तो भैया यहां से होते हुए लोंगेस्ट कार्बन चेन को प्रेफरेंस करोगे, ये आपके भाई लोंगेस्ट कार्बन चेन का कंसेप्ट। एक बार यहाँ तक पहुंच गए तो बताओ आगे क्या होगा, आगे नंबरिंग करके बात कर सकते हो। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5 होगा, और यहाँ पे 2 ब्रांचेस होंगी। इस सिचुएशन में वी हैव टू कंसिडर 3 3 डाई इथिनिल, तो भैया लकीली कहीं कोई ऑप्शन बचा नहीं है, दैट इज द आंसर, दैट्स नोन एज ए 3 3 डाई इथिनिल, 1 4 पेंटाडाइन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कहीं दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है इस कहानी के। अगला ऑप्शन आपसे पूछा, इनकरेक्ट रूल कहता है कि जब, पहले तो बता दूं कि पहले तो हमेशा पाई बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस, जिधर से पाई बॉन्ड मिनिमम वो जीतेगा, और फिर अगर पाई बॉन्ड सेम आ जाए, यानी उसका लोकेशन सेम आ जाए, तो लोकेशन सेम होने पर हमने अल्फाबेटिकल को प्रीफर किया था। अब जैसे यहाँ भी पाई बॉन्ड सेम आ रहा है, तो हमने ई को प्रीफर किया, चलेगा। बट यहाँ देखो, यहाँ पाई बॉन्ड 2 पे आ रहा है और वहाँ पाई बॉन्ड 1 पे, तो भैया फिर नंबरिंग में इधर से दूंगा ना, कि रूल ये कहता है कि जहाँ से पाइबोन पहले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जहां पाइबोन पहले आता है गेम पहले वो जीतते। जैसे इधर से एक साथ 2 पाइबोन आ रहे हैं, इधर एक ही आ रहा है, तो मैं पक्का इधर से जीताऊंगा। इधर आपके पास में एक, इधर बीच में गेप आ रहा है, और यहाँ पे कंटिन्यूस तो मैं इसको जिता दूंगा। तो रूल ये कहता है कि हम हमेशा उस ओर नंबरिंग पे ध्यान दे जहां से मिनिमम लोकेंट पाइबोन का आता हो, तो गेम खेलना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, यहाँ आपके पास पाइबोन नहीं है और यहाँ पे आपके पास पाइबोन होने से आप गेम खेल सकते हो। ये आपका 1 2 3 4 5,
ये आपकी ब्रांच कहलाएगी और ये भी आपकी ब्रांच कहलाएगी। अगर कुछ नहीं होता तो पेंट वन इन मिलके निकल लेता, तो बेटा ब्यूट वन इन, ब्यूट इन कैंसिल, पेंट वन इन दो बचे। अब बता दो किसको पहले लिखना है। यहाँ पे पंगा ये होता है कि सर साइक्लो आएगा कि नहीं आएगा। देख मुझे पता है बेटा क्यों नहीं आएगा, सिम अल्फाबेट नाम तो साइक्लो लिखोगे ना, केवल आपको क्या बोला गया सेकेंड ट्रेंसी कंसिडर नहीं करते। किसने बोला कि साइक्लो बाय साइक्लो ट्राई साइक्लो कंसिडर नहीं करना है, तो लिखना कंसिडर करना क्या दिमाग लगा रहे। तो ऑफकोर्स ये होगा साइक्लो का सी, तो साइक्लो हेक्साइल, उसका जाएगा मिथाइल, तो आपका आंसर ए आना चाहिए, क्या दिमाग लगा रहे। अगला एग्जांपल आपके सामने ये अवेलेबल है, रूल कहता है क्या देखूं, पाई बॉन्ड देखूं, ब्रोमीन देखूं, क्या? तो भैया जिधर पाई पहले किसको देखते हैं, पहले पाई बॉन्ड को देखते हैं ना, तो पाई बॉन्ड विल डिसाइड। अब पाई बॉन्ड यहां से भी और पाई बॉन्ड यहां से भी, तो फिर यहां जरूर डिसाइड करो कि क्लोरो आयोडो में पहले कौन जीते हो, क्योंकि इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 आएगा, उधर से 1 2 3 4 5 आएगा। तो भैया रूल कहता है कि पाई बॉन्ड को पहले जिता दिया, फिर उसके बाद देखो मिनिमम लोकेंट, वो भी बराबर, तो अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल में क्लोरो आयोडो में हमेशा क्लोरो बाजी मारेगा। इसका मतलब मैं नंबरिंग करते समय इस चीज का ध्यान रखूंगा कि मैं क्लोरीन को पहले, ब्रोमीन को देखना ही मत, पाई बॉन्ड के सामने सब गायब हो जाते हैं। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। कुछ बच्चे बेवकूफ़ी कर सकते हैं जो सब कि कर रहा हूँ कि सब ब्रोमीन को मैं तो 1 ही लिखूंगा। अबे भाई अगर तू ब्रोमीन को 1 लिखेगा तो तेरी लुटिया डूब नहीं जाएगी। 1 के बाद 2 3 4 5 6, जब बहुत तेरे पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या बताइए, 2 और 5 किसकी, पाई बॉन्ड की। मेरे को पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या मिल रही है, पाई बॉन्ड की लोकेशन मुझे मिल रही है 1 4, तो मैं 1 4 को जीता हूँ कि 2 5 को, तो नॉन सेंस वे, 2 5 की ओर जा ही नहीं सकते। बट लिखने का रूल अल्फाबेटिकल है, उससे आप बच नहीं सकते। तो लिखोगे पहले 3 ब्रोमोई, फिर 1 क्लोरो, फिर 5 आयोडो, तो शायद इतना तो सेट हो गया। फिर साइक्लो हेक्सा हल्का कंसेप्ट लगेगा, 1 4 डाइन कंफर्टेबल आपका आंसर ए आएगा। आगे की बात करते हैं, अगेन आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल पाई बॉन्ड, यहाँ भी अपन बेटा बाहर का माल अलग अंदर का माल अलग, अलग अलग रूल लगते हैं, और जहाँ पाई बॉन्ड होता है नंबरिंग तो वहीं से शुरू होती है। तो टेक्निकली ये आपका 1 2 3 4 5, और ये आपकी ब्रांच कहलाएगी इस कहानी के लिए। देख सो वी हैव टू कंसीडर 5-ethynyl देन साइक्लोपेंटा 1-3-diene, तो ये आपका हो गया 5-ethynyl देन साइक्लोपेंटा 1-3-diene, आपका आंसर सिंपल ए के रूप में आ जाएगा। अगला पूछा यूपीएससी ने, मतलब फॉलोइंग कंपाउंड, तो भैया जहां पाई बॉन्ड है दिमाग मत लगा क्लोरीन ब्रोमीन, बस पाई बॉन्ड पे निगाहें रखो, पाई बॉन्ड यहाँ अवेलेबल है, ये आपका 1 2 3 4 5 6, देख से ब्रोमो देख से क्लोरो, वी हैव टू कंसीडर 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, देख सो योर आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा है, वर्ड राइट द यूपीएससी द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड अथा सागर के रूप में अवेलेबल है, तो भैया पहले किसको जिताने का वो अपन देख लेते हैं इस कहानी के अंदर। पाई बॉन्ड में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो लकीली कहीं से भी पेन का बन चेन की नंबरिंग कर सकते हैं इस साइड से, तो भैया ये तो फिक्स आएगा ही आएगा, लेटर नहीं, ये तो फिक्स आएगा ही आएगा। इधर जाने पर भी वही आ रहा है, इधर पे भी, तो लकीली आप इधर जाओ इधर जाओ, दिस इज द सेम चॉइस, आपके पास ऑप्शन नहीं है इस कहानी को डील करने के लिए। तो उस समय आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जो आपका जज करने का कॉन्सेप्ट है। तो भैया बता फिर बचा क्या आपके पास, अब बचा है केवल ब्रांच ऑप्शन, वो ब्रांच में ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, और ये जखीरा भी पूरा एक ब्रांच है। अब बात करते हैं पंगा क्या करना, तो भैया जहाँ पाई बॉन्ड, तो मिनिमम के हिसाब से पाई बॉन्ड तो यहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड जल्दी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है आपके पास, 2 मिथाइल, ये आ रहा है आपका 3 इथाइल, और ये आपका अगेन 1 2, तो 1 मिथाइल इथिनिल काम हो गया। लिखते समय क्या लिखना है अल्फाबेटिकल, तो पहले ई आना चाहिए, तो शायद लकीली ये 3 इथाइल दिख ही रहा है यहाँ पे, फिर क्या रहा 2 मिथाइल भी बराबर आ रहा है, बिकॉज डाई तो आना ही नहीं है, फिर आएगा 1 मिथाइल इथिनिल, यस ये 1 2, तो ये आपका हो गया 1 मिथाइल इथिनिल, उसके बाद हेक्सा 1 4 डाइन, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस, कि आप आंसर आसानी से बॉम्बे के रूप में यूज कर सकते हो इस कहानी के लिए। तो थोड़ा हटकर क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, कहीं भी दिमाग लगाने लायक ऑप्शन नहीं था। अगला ऑप्शन के सामने अवेलेबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम विल बी इनकरेक्ट, तो बताए इस कहानी के रूप में आप क्या यूज करोगे। या
तो भैया इस कहानी के लिए आपको क्या वंडा यूज करना, अपन उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो क्या है, इनकरेक्ट के रेस्पेक्टली बात करिए, जरा देखो किस फॉर्म में यूज करना है इस कहानी को। पाइबॉन जहां खड़ा होता नंबरिंग वहां से होती, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, आप यहाँ पे बोलोगे 3 6, तो ये आपका 3 6 डाइमिथाइल, उसके बाद आएगा साइक्लोहेक्सीन, ये आपका फंडामेंटल हो गया। ये आपका पाइबोन जहाँ होता है, ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका 1 6 चलेगा, ये भी सही सलामत हो जाएगा। बेटा यहाँ 6 6 यहाँ लोचा कर दिया शायद, क्योंकि 1 2 के बाद में 3 4, पाइबोन के बाद 3 3, तो मैं 6 6 क्यों लिखना चाहता हूँ, पक्का 3 3 लिख के आगे बढ़ जाऊंगा ना। जैसे 3 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, दैट्स वाई दिस इज नॉट द चॉइस, सी आंसर पंगा पंगा ले रहा है। अगला आपसे पूछा यूपीएससी नेम, पाइबोन दे रखा है और मिथाइलिथाल, तो भैया दिमाग लगाओ मत, जहाँ पाइबोन होता है, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है भैया, तो ये आपका पाइबोन है, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से आंसर लाया जा सकता है। क्या क्या लाएगा वो लिखते समय अल्फाबेटिकल देखना है, तो भैया पहले 5 इथाइल आएगा, आई थिंक 5 डिजिट भी कहीं और सेट नहीं होती, देख लो कहीं पर भी नहीं हो रही, तो वैसे ही गलत हो गया। 5 इथाइल फिर चेक कर लो, 1 मिथाइल फिर साइक्लोहेक्सीन, आप फ्री फुकट में आराम से आंसर तो पहुंच सकते हो। अगला जहां पाइबोन है, बस हमको नंबरिंग वहीं से, उसको पाइबोन को ध्यान रखते हुए आपको पूरी पेरिंग कार्बन चेन को सेट करना होगा, तो भैया आपके पास पेरिंग कार्बन चेन देख के समझ में आ रहा है कि भैया ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी, बस खत्म करो। अगर ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो फिर नंबरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और नंबरिंग के हिसाब से पहले किसको जिताओगे, भैया ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 6 7 8, और ये आपका 9। ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, पर लिखते समय अल्फाबेटिकल पहले आता है, 5 इथाइल पहले आएगा, उसके बाद लोकेशन आ रही है 3 6 डाइमिथाइल, तो 5 इथाइल तो दो जगह आ रहा है, पर यहाँ आ रहा है 4 7, गड़बड़ हो गई, 3 6 डाइमिथाइल आगे बढ़ो, नॉन, नो कार्बन दिख रहे तो नॉन आएगा ही आएगा, उसके बाद 3 पर इन है, 3 पर इन कबूल है, आपका आंसर पक्का ए आना चाहिए बिना कोई दिल दिमाग लगाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस कहानी के अंदर क्या लिखा है, 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल 2 हेप्टीन के रूप में, तो बताओ क्या ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 2 हेप्टीन, तो बेटा यहाँ तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखते गड़बड़ ही नहीं चलेगा, यहाँ फिर भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो पाइबोन 2 पे दिख रहा है और 4 पे इथाइल दिख रहा है, 2 3 पे डाइमिथाइल दिख रहा है, तो बॉम्बे लग रहा है, एक बार फिर चेक कर ले तो कोई मल्टीपल तो नहीं गलती से, यहाँ करोगे तो 1 2 3 पाइबोन 3 पर आएगा, नहीं चलेगा, यहाँ करोगे तो पाइबोन तो 2 पे आ रहा है, 3 4 4 पर इथाइल भी आ रहा है, पर बेटा 5 6 7 आपका जो आ रहा है ना, ये 4 5 6 4 ये चाहता है 2 3 पे, तो भैया फिर तो बॉम्बे के छोड़ के कोई आंसर सेट नहीं हो रहा, पक्का आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगला भैया आपके पास पाइबोन अवेलेबल, और पाइबोन में सबसे यूनिक ऑप्शन, दोनों कार्बन बराबर 1 1 पर सेट है, अब रूल कहता है अगर पाइबोन दोनों 1 1 पर सेट हो तो हम किस कहानी को पहले प्रीफर करने की कोशिश करें। पाइबोन जब दोनों का 1 1 पे आ रहा है, तो भैया लोकेशन चेक करो, ये आपका 1 2, आई थिंक डायग्राम में एक बार फिर बना देता तो मस्त थीम बन जाएगी आपके लिए, ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, आप चेक करो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, रूल क्या कहता है उसको फॉलो करोगे तो ही गेम के सेट होगा। रूल कहता है कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो ये लोकेशन आ रही है 1 4, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो ये लोकेशन आ रही है 1 4। अब रूल कहता है 1 4 1 4 आ जाए तो मैं किसका अल्फाबेटिकल देखूँ, बेटा 1 4 आ रहा है तो फिर 1, इसका 1 किस पर आ रहा है, इन पे, इसका 1 किस पे आ रहा है, आइन पे, तो मैं इसलिए इसको जिता रहा हूँ, मैं इसलिए इसको नहीं जिता रहा हूँ कि इथाइल 2 पे आ रहा है, लोग बोल तो रहे अल्फाबेटिकल, किसका अल्फाबेटिकल, इसका नहीं, किसका, इथाइल का नहीं, 1 4 जो आपने इन का लिखा उस 1 के लिए आपने अल्फाबेटिकल जीता है। अगर 3 4 2 की पोजिशन चेंज हो जाती ना तो भी मैं रूल यही अप्लाई करता, ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखा गया है, समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है, कि हमको अल्फाबेटिकल देखना है, पर किसका अल्फाबेटिकल, इथाइल मिथाइल का देखना है कि इन आयन का देखना है, वी हैव टू कंसिडर द अल्फाबेटिकल ऑफ इन एंड आयन, नॉट इथाइल एंड मिथाइल, बिकॉज दिस इज द रूल, इफ मैन लोकेशन रूल इज सेम फॉर पाइबॉन्ड देन यू हैव टू कंसिडर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ इन एंड आयन, नॉट मिथाइल एंड इथाइल, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझदार क्वेश्चन था मेरे हिसाब से।
तो भैया फिर दिमाग लगाना था, आपके पास नंबरिंग ये सही आ रही है, तो फिर 2-ethyl-3-methyl-1-pentene और 4-ine आपका आंसर अगला आ जाएगा। अगला जहाँ पाई बॉन्ड है तो बस वहीं से नंबरिंग दे दो, 1-2-3-4 आई थिंक रिपीट हुआ है, 5-chlor-5-ethyl और क्लोरो, तो भैया पहले क्लोरो आना चाहिए, तो इस हिसाब से इस कहानी के हिसाब से आना चाहिए 1-chloro, पर बेटा 3-ethyl थोड़ा ना चलेगा, 1-chloro के बाद 5-ethyl-cyclohexane, यस आपका आंसर दे लिया आना चाहिए। अगला पूछा, हाउ मेनी कार्बन आर इन द सिंपलेस्ट एल्काइन हैविंग टू साइड चेन, सिंपलेस्ट एल्काइन ढूंढो, तो सिंपलेस्ट एल्काइन ये होती है, कोई बोले दो साइड चेन तो भैया बच्चा होता दो साइड चेन मतलब बना लो दो साइड चेन, अबे इच्छाधारी कार्बन क्लेंसी को कितनी बना के मानेगा भाई, तो ऐसे नहीं जा सकते, तो बच्चा गलता सर ठीक है ऐसे नहीं जा सकते, तो ये बना लो दो साइड चेन, नहीं बेटा पेरेंट कार्बन चेन के हिसाब से एक ही ब्रांच कहलाएगी, इसका मतलब आपको सोच समझ के दो ब्रांच बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, 1-2-3-4 और फिर दो ब्रांच बनानी पड़ेगी, बिकॉज रूल ये कहता है कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले बनाओ फिर उस पर दो ब्रांच बनाओ, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, चार कार्बन के साथ दो कार्बन की ब्रांच बनाओगे तब जाके 6 कार्बन का ऑप्शन आना चाहिए, तो आई थिंक 6 कार्बन का ऑप्शन आ रहा है, दैट इज द आंसर। अगला ऑप्शन आपके सामने क्या पूछा, मोल के फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन आयन एंड इस नेम, क्या पूछा, इन भी होना चाहिए और आयन भी होना चाहिए, बच्चे यहाँ पे पंगे ले लेते हैं, कैसे पंगे ले लेते हैं, जैसे कॉमन सेंस है, ये इन हो गया और ये आयन हो गया, अच्छा इच्छाधारियों कार्बन क्लेंसी को क्या 5 बना के मानोगे, तो बेवकूफी मत करके आना, इन बनाओगे तो आयन भी बनाओ, क्या प्रॉब्लम है, बाकी बच गया वो एच कर देना, तो कार्बन तो 4 आ जाएंगे, 2-3-4, ये 4 ही आना चाहिए, आई थिंक लकीली कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है इस कहानी के लिए, तो ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, इन और आयन को जोड़ने पर क्या बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात, डाई इन जोड़ने पर क्या होगा, डाई आयन जोड़ने पर मिनिमम में क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे बच्चा फंस जाएगा डाइन पर क्या होगा, बच्चा डाइन पर शायद ये सोचेगा कि डाइन बनाना है ना, तो डाइन का मतलब ये होता है, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि वहां पे यहाँ वहां दिमाग नहीं लगाओगे, डाइन बोलते ही आप बना सकते हो ये सिस्टम, ये तो अलाउ करूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है, 3 कार्बन का बना सकता हूँ, बन गया डाइन तुम्हारे पास में, बीज बो दिया संभल लेना, आप संभाल लो इस कहानी को। अब आपके पास पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और हमें पूछा गया है कि भैया किधर से जाने का, इधर से भी 1-2 आ रहा, उधर से भी 1-2 आ रहा, आप सुनो इधर से नंबरिंग कर ही लेते, चलो जाओ 1-2-3-4-5-6-7-8, 2 आ रही है, 4 आ रही है और 6 आ रही है, ठीक है, अगर मैं उधर से नंबरिंग देता हूँ तो 1-2-3-4-5-6-7-8, तो मेरी लोकेशन यहाँ पे 2 आ रही है, 4 आ रही है, 6, लकीली 2-4-6 इधर से भी आ रही है, 2-4-6 इधर से भी आ रही है, तो उस समय तो फिर एक ही रखना है, 2 पे कौन है इन, यहाँ 2 पे कौन था आइन, किसको जिताऊं, इनको जिताओ, अलका वाला कंसेप्ट लगा देना, ऑक्टा के बाद क्या आएगा, 2-4-4-6 तो गलत बात है, 2-4-डाइइन और 6-आइन, और ये ध्यान रखना इसका ई आएगा क्योंकि यहाँ पे वाई आ रहा है, याद है ना, ये पंगा कर दिया, यस आपको ये पता होना चाहिए कि डाइइन के बाद अगर आइन लगाया तो आपको ई डिलीट मारना चाहिए, वो नहीं मारा है मुझे पता है, इसका आंसर वास्तव में आना चाहिए ऑक्टा 2-4-डाइईन-6-आइन, इसका ई नहीं आना चाहिए था, मिस्टेक है इस कहानी के अंदर, ठीक है, ये फंडा ध्यान रखिएगा इस कहानी के अंदर, मैं चाहता हूं कि एकदम करेक्शन लेस होने चाहिए, ठीक है, येलो बुक में बहुत कम करेक्शन, बिकॉज इसको करने में मुझे लगभग 2 महीने लगे थे, रेड बुक में 1 महीना और ग्रीन बुक में केवल 15 दिन, तो ऐसे ग्रीन बुक में करेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं बहुत, क्योंकि वो बच्चों की रिक्वेस्ट पर आ तो गई पर उसमें करेक्शन है थोड़ा, फिर भी मैं इरेटा निकालने वाला हूँ बहुत जल्दी, थोड़ा टाइम मिल जाए एडवांस बस खत्म हो जाए फिर मैं आपको इरेटा के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी इसमें तो मतलब मुश्किल से पूरे इतनी जो सिक्वेंस मैंने करी पिछले वाला 1 घंटा और अभी का लगभग 1 घंटा, अभी तो मुझे केवल 3 डाउट मिले हैं और वो भी छोड़े जा सकते हैं सर, इन ई क्यों लिखा पर हम ये भी क्यों मिस्टेक छोड़ें, या एक से 2-ethyl-pent-3-ine, तो भैया क्या करेक्ट आईयूपीएसी नेम हो रहा है क्या, जैसे ये लिखा हुआ है 3-methyl-hex-4-ine, तो भैया अगर आपके पास ये ऑप्शन है हेक्साइन के रूप में तो आपने लिखा है इस कहानी में, पर अपन पहले डायग्राम बना लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता ना, वेट 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 डायग्राम बनाना समझदारी होगी, इसका नाम पूछा तो भैया पहले तो पेंटाइन बना लिया 2-ethyl, तो ये 2 पर इथाइल बना लिया, पेंटाइन
थ्री आए तो वन टू थ्री, ये थ्री पे आयन बना दिया। अब रूल ये कहती कि हमें तो रूल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ही यूज करना चाहिए, तो भैया हम पाई बॉन्ड को रखते हुए इधर से इधर जाएंगे और क्या है। अगर ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है तो फिर नंबरिंग पे ध्यान दिया जाए, तो उस सिचुएशन में ये आपका वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर, ये आपका फाइव, ये सिक्स आपके पास आना चाहिए, फोर मिथाइल, देन आना चाहिए हेक्स टू आइन। तो आई थिंक ये आपका बेसिक फंडा, कहीं को दूर कोई कोई पंगा नहीं मेरे हिसाब से। अगला एग्जांपल आपसे पूछा है इस कहानी में इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम, तो भैया इस कहानी को देख के लग रहा है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आपकी ब्रांच, टू इथाइल हेक्स वन ही कंफर्टेबल, कहीं कोई पंगा नहीं है। यहाँ पे इधर भी दो कार्बन है, इधर संभल के दो नहीं, ये इथाइल होने से तीन कार्बन, और यहाँ पे दो के बाद तीन पे ब्रांच आ रहा है, तो भैया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो बेटा ये आपका फोर इथाइल, ये आपका थ्री मिथाइल, ये हेप्टेन, ये भी आपका सही आंसर सेट हो रहा है, कहीं कोई पंगा नहीं है। यहाँ पे पाई बॉन्ड इसको मिला है, तो ये आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये आएगा, बिकॉज इधर से लेने भी करने पर टू आ रहा है, तो भैया हम वन इधर से जिताएंगे, तो भैया बस यही पंगा ले लिया। पहली बात तो हेक्स कैसे आ रहा है, हेप्ट आना चाहिए ना, और हेप्ट आने के बाद भी लोकेशन से ही आनी चाहिए, आपके पास आना चाहिए था फाइव इन, और फिर इधर आना चाहिए था टू आइन, ये आपका सही आंसर आना चाहिए। तो सी पक्का इनकरेक्ट पूछा ध्यान से, और ये दे रखा है मिनिमम लोकेशन रूल, तो ये आपका हो गया थ्री ब्रोमो वन वन डाइमिथाइल, यानी सी को करेक्ट करने की जरूरत है। अगला पूछा ये ऑप्शन, अब बता दूं जहां पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड यहाँ भी है यहाँ भी है, पर इसका पाई बॉन्ड इधर से वन टू पे आएगा, उधर से वन पे, तो बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये आपका ऑप्शन, ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच, और ये आपकी ब्रांच कहलाएगी। लिखते समय किसको देखते हैं अल्फाबेटिकल, तो बेटा पहले कौन आना चाहिए सिक्स ब्रोमो, फिर कौन आना चाहिए फोर इथाइल, फिर कौन आना चाहिए फाइव मिथाइल, फिर कौन आना चाहिए, ये आपका हो गया हेप्ट, हेप्ट तो आ गया, उसके बाद क्या लिखते समय इन पहले आता है, तो बस यहीं पे पंगा ले लिया, ये वन कैसे पहले आ रहा है, फाइव इन आएगा और वन आइन आएगा, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली विद दिस। तो यहाँ पे कोई पंगा नहीं मेरे हिसाब से, आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं बिना कोई दिल दिमाग लगाए। अगला आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है इस कहानी में आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, बेटा यहाँ पाई बॉन्ड बराबर लोकेशन पे, ये भी बराबर, यहाँ भी वन, और फिर वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, पर क्या मैं इसको देखूँ, नहीं मैं देखूंगा इन आइन में इन को जिताना है, बस खत्म करो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आपका क्या लगा, थ्री क्लोरो छः कार्बन होने से हेग्ज, वन इन फाइव आइन, तो थ्री क्लोरो के बाद हेग्ज, वन इन फाइव फाइन, आपका आंसर बॉम्बे के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। अगला ऑप्शन आपके पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है, पाई बॉन्ड अवेलेबल है, यहाँ से वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो भैया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच क्या कहलाएगा, टू टू डाइमिथाइल, बस काम हो गया हेग्ज, तो ये टू टू डाइमिथाइल हेग्ज थ्री आइन का फंडा, ये आपका बेसिक आंसर होना चाहिए। अगला पूछा है तो फॉलोइंग द करेक्ट आईयूपीएसी नेम, तो यार चेक करो क्या पंगा है, थ्री इथाइल फोर फोर डाइमिथाइल हेप्टेन, तो जरा चेक करो ये आपका हेप्टेन होना चाहिए था, चेक कर लेते हैं, ये आपका हेप्टेन होना चाहिए था, वन टू थ्री पर इथाइल और फोर फोर डाइमिथाइल हेप्टेन, या तो वन टू थ्री इथाइल एंड फोर फोर डाइमिथाइल हेप्टेन, तो बेटा इस कहानी में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो थ्री इथाइल फोर फोर डाइमिथाइल हेप्टेन से ही आ रहा है मेरे हिसाब से, इसमें पंगा क्या है, या चेक करते हैं पंगा क्या है। ऑप्शन बी फोर फोर डाइमिथाइल थ्री इथाइल हेप्टेन, तो बेटा ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज अल्फाबेटिकल के हिसाब से हमें इसका एम और इसका ई देखना था, तो बेटा यहाँ तो पंगा तो नहीं हो सकता। क्या लिखा है, फाइव इथाइल फोर फोर डाइमिथाइल, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया, फाइव इथाइल फोर फोर डाइमिथाइल हेप्टेन, तो वन टू थ्री फोर फाइव और ये आपका हो गया फोर फोर, बट यहाँ पंगा ले ले, क्योंकि आप इधर नंबरिंग इधर से करोगे, ऐसे करोगे ना, ताकि ये आपका हो जाए फोर फोर डाइमिथाइल, तो सही ये पर थ्री इथाइल, तो यहाँ फाइव की जगह थ्री अच्छा होता है, इससे सी भी गड़बड़ हो गया। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, क्या लिखा है, फोर फोर बिस मिथाइल, बिस तो आ ही नहीं सकता, तो
ऑफ कोर्स 50 का आंसर यहाँ पे केवल आगरा के लिए अप्लीकेबल, ये करेक्शन मिला है अभी मुझे, यानी आपका सही आंसर आ रहा है 1 2 3 4 4 3 इथाइल एंड 4 4 डाइमिथाइल, कंफर्म आगरा ही आंसर आएगा। अगला ऑप्शन के सामने अवेलेबल है इसका यूपीएससी नेम, पर बिल्कुल मत बनना, ये इथाइल इथाइल दे रखा है, तो प्लीज डायग्राम को ढंग से बनाइए ताकि किसी प्रकार की कमी ना रह सके। ये आपका 1 2 3 4 5 6 और ये आपकी दो ब्रांच कहलाए, वैसे इसी बात है 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो आपका आंसर सिंपल 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए, इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, बॉम्बे आ रहा है। अगला आपका अवेलेबल है आईयूपीएसी ऑफ मोनो फंक्शन ग्रुप, तो आइए जरा इस कहानी को भी शुरू कर ही देते हैं। आपके पास सीओएच अवेलेबल है, रूल कहता है कि सीओएच पर सीओ डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए था, देखो यहाँ पर बीच में एक सीएचटू आने से इनडायरेक्ट हो गया, और इस चक्कर में आप फिर इस कहानी का डायरेक्ट वाला रूल नहीं लगा सकते, ट्राई कार्बोक्सिल तो लगा ही नहीं सकते, पंगा हो गया। अब चेक करते हैं कैसे जिताना है, तो भैया जरा नंबरिंग पे ध्यान दिया जाए, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहले प्रीफर करेंगे, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की कहानी होगी जिसको आप सेट कर सकते हो। इसका मतलब बाकी दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, तो बाकी दोनों का ब्रांच समझोगे, और जब ब्रांच समझोगे तो गेम बहुत आसानी से सेट होगा कि ये आपकी ब्रांच और ये आपकी ब्रांच है, क्योंकि मिनिमम के हिसाब से ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। इसके लिए मिथाइल और इसके लिए कार्बोक्सी मिथाइल, लोकेशन 4 और 2, तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल के बाद 4 कार्बोक्सी मिथाइल, उसके बाद 8 कार्बन होने से ऑक्टेन, उसके बाद 1 4 डाइऑक्सीएसिड, यानी आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगला ऑप्शन आपके सामने जो अवेलेबल है, कैसे जज करना, तो बेटा ये आपको लिखा हुआ होल ट्वाइस के रूप में, फिर वही बात, जैसे ही आपके पास ये कहानी आ जाए ना, दिमाग नहीं लगाने का, चुपचाप बना लेने का, ताकि टेंशन कम हो जाए और आपको समझ में भी आसानी से आ जाए। अब यहाँ पे पंगा क्या है, यहाँ पे आपने ब्रांच की सब ब्रांच बना ली, ये आपका 1 कार्बन, ये आपका 2 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, और ये आपकी वापस ब्रांच की सब ब्रांच हो गई। अब इसको हम बोलें क्या, तो आपको एक ट्रिक सिखाई थी, उसका फायदा उठाइएगा, इधर से उधर जाने पर ये आपका हो गया हाइड्रोक्सी, ये आपका हो गया इथाइल, और ये आपका हो गया ऑक्सी, जिसको हम बोलते हैं इथॉक्सी, ये आपका हो गया 1 2 इथॉक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी तो आ रहा है, बट 2 बार आ रहा है, और हमने कहा था जब ब्रांच की सब ब्रांच हो जाए तो उस समय फिर हम डाइट्राइन यूज करते हैं, हम बेस्ट्रिस यूज करते हैं, तो सिंपल 2 2, क्योंकि लोकेशन 2 2 आएगी आएगी, 2 2 बेस 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी, हाइड्रोक्सी इसके लिए और इथॉक्सी इसके लिए, उसके बाद इथेनोइक ही आएगा ना, एसिडिक तो आ नहीं सकता बेटा। अगला जंगल का राजा दिख रहा है, तो बस चुपचाप पेरिंग कार्बन चेन बना लो, ये आपकी पेरिंग का मेन फंक्शन ग्रुप है, तो ये आपकी पेरिंग चेन होनी चाहिए, बिना दिमाग लगाए नंबरिंग कर लो, एक बार नंबरिंग कर लोगे तो आपको आगे की अप्रोच सही हो जाएगी, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये पूरा जखीरा, ये भी 2 बार ब्रांच के रूप में आ रहा है, और ब्रांच ब्रांच है तो हमें 20 वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा। चेक करो क्या यूज कर सकते हो, तो क्या कहेगा 2 3 डाई, यस 1 1 डाई मिथाइल इथिनिल, यहाँ तो से सेट हो रहा है, फिर 4 4 5 डाई मिथाइल हेग्ज 3 इनोइक एसिड चल रहा है। अब यहाँ पे पंगा क्या हो रहा है, लकीर सही लग रहा है मुझे तो, अच्छा सॉरी सॉरी यहाँ डाई क्यों लिखा, ये पंगा हो रहा है, या 20, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है, 20 लिखना जरूरी, तो डाई, अच्छा लकीर डाई 3 ही डाई है, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, चुपचाप 2 3 लिख के बाहर निकलो, तो 2 3 20, बिकॉज 1 1, एक बार पता ना अगर बीच अंदर की ओर डाई ब्रैकेट में आ जाए तो बाहर डाई लिखना अपशकुन माना जाता है, तो 2 डाई लिखोगे तो नाम बोलने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने अपग्रेड किया है कि हमने उसको 20 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इतनी सी बात थी, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। एक बार सीओएच को मेन फर्स्ट मान लिया, फिर सारा ध्यान किस पे होता है, पाई बॉन्ड पे होता है, तो भैया बाकी सबको ब्रांच मानो, हमने इसको पेरेंट चेन मान लिया, यानी हम ये मान सकते हैं कि ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन के रूप में यूज करने वाला ऑप्शन हो गया, बस गेम सेट है, अब आसानी से इसको अप्रोच के रूप में यूज कर सकते हैं, तो ये आपका 1 2 3 आपका इथाइल, तो 2 इथाइल लिख के आगे बढ़ जाओ, फिर प्रोपेनोइक मत लिख देना, प्रोप 2 इनोइक आएगा, या क्योंकि 2 पर आ रहा है, पर चलेगा, कोई ऑप्शन आपके पास सेट नहीं हो रहा है, वैसे 2 इथाइल प्रोपिनोइक एसिड आई थिंक नन ऑफ द दो दे, तो शायद मैं दिल्ली लिखने को ज़्यादा सही करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा मेरी लोकेशन आ जाए 2 इथाइल
प्रोप टू इनोइक एसिड, कि मैं इसको वन समझूंगा। आई थिंक डेली इज मच मोर बेटर। हम यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, इसका आंसर फोर आना चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है। ये साइक्लिक सिस्टम के लिए रूल होते हैं, तो बेटा ध्यान रखो जहाँ आपने लिखा है ऑन, इसको वन लिखने के बाद हेटरो एटम को कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे। कुछ नहीं होता तो मैं इसको बोलता साइक्लोहेप्टेनोन, जैसा कि अपन जान रहे हैं, पर चूंकि यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो इसके लिए लिखते हैं एजा। ध्यान रखिएगा, तो 2-एजा साइक्लोहेप्टेन 1-ऑन। अगर यहाँ पे ये लिखा हो तो सेम पैटर्न पे ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, पर अब मैं इसको बोलूंगा 1-ऑक्सा, ऑक्सो नहीं बोलूंगा, सॉरी 1 नहीं 2-ऑक्सा। उसके बाद सेम पैटर्न पे लिखूंगा साइक्लोहेप्टेन 1-ऑन। ये साइक्लिक हेटरोटम लिखते समय ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा वर्ड यूज करने की परंपरा बनाई गई है आईयूपीएसी के हिसाब से। जंगल का राजा आपको दिख ही रहा है, ये एन से जुड़ा हुआ, और ये आपका 1 2 3 4 5, और आपको ये पता है कि पेरेंकार्बन चेन अगर रिंग से जुड़ी है तो अपन पेरेंकार्बन चेन इसी को मानेंगे, तो ये आपकी पेरेंकार्बन चेन हो गई। नाउ इसको नाम क्या लिखना, तो बेटा यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल, और दोनों डाइमिथाइल बराबर रूप से सेट हो रहे हैं, तो कहलाएगा N2-डाइमिथाइल। लकीली N2-डाइमिथाइल, फिर क्या कहलाएगा, साइक्लोपेंटेन। उसके बाद कार्बोक्सामाइड, बिकॉज एक्चुअली पीछे ये वर्ड तो वैसे भी सेट नहीं हो रहे, और ये कार्बोक्सामाइड चलेगा पर साइक्लोहेक्सेन तो चल ही नहीं सकता। ऑफकोर्स आपका आंसर बॉम्बे ही बचा, कोई और ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ओनली बॉम्बे, कलकत्ता नहीं चलेगा। अगला पूछा आइसोप्रोपाइल, तो बेटा आइसोप्रोपाइल तो दिख रहा है, मिथेनोइड, तो बेटा यहाँ पे ये दो कार्बन होने से वो इथेनोइड की फिलिंग देंगे, नहीं चलेगा। ये आपका आइसोप्रोपाइल है ही नहीं, ये तो आपका आइसोब्यूटाइल है, ये भी नहीं चलेगा। ये आपका, तो ये बेटा ये आपका सिंपल प्रोपाइल है, ये भी नहीं चलेगा। ये रहा आपका आइसोप्रोपाइल और ये आपका एक कार्बन का, देख सो योर आंसर इज डेली विद दिस। अगला जंगल का राजा एस्चेरिओ आपको पता ही है, तो यहाँ से 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3 यहाँ से 4 यहाँ से 5, ये आपकी ब्रांच हो गई, ये आपकी ब्रांच हो गई। सबसे पहले तो इथाइल लिखना, दिमाग लगाओ इनमें, तो पहले इथाइल तो लिखना ही लिखना है इस कहानी के अंदर, इथाइल लिख दो, इथाइल दो जगह, फिर क्या लिखा, इथाइल के बाद 2-इथाइल 3-मिथाइल, तो बेटा 2-इथाइल 3-मिथाइल, 2-3-डाइमिथाइल तो आ ही नहीं सकता, 2-3-डाइमिथाइल तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब आपके पास आएगा इथाइल 2-इथाइल 3-मिथाइल, तो भाई ऑफकोर्स आ रहा है 2-मिथाइल 3-इथाइल। उसके बाद कितने का बने बेटा, 5 का बन, तो पेंट। उसके बाद 2-ईन, क्योंकि 2 पर ईन आएगा, फिर ओ एट। कन्फर्म आपका आंसर आगरा के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल हो। अगला ऑप्शन पूछ रहा है कि भैया व्हेन एक्स इज ग्रुप रिप्लेस बाय साइनाइड, देन आईयूपीएसी ने बोला कंपाउंड बिलो इज, अगर मैं एक्स को साइनाइड, मतलब साइनाइड के कर दो साइनाइड यार, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, आपका 4, ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच, 2 पर इथाइल आना चाहिए। आई थिंक 2 पर 2 2 2 2 2 2 पर इथाइल, ये रहा 3 पर मिथाइल, ये रहा ब्यूटेन एटल, पक्का आपका आंसर 3 आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। अगला एग्जांपल देख के लगना चाहिए भैया क्या कर रहे हो, तो जंगल का राजा एमआईड दिख रहा है, और यहाँ भी जंगल का राजा, वो दो दो एमआईड है, टेंशन खत्म हो गई, अब तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, बस ऐसे करो कि मिनिमम लोकेशन का फायदा मिले। तो भैया यहाँ से चूंकि ये ब्रांच हो जाए, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, और ये पूरा जखीरा ब्रांच कहलाएगा। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ भी CONH2 है, यहाँ भी CONH2 है, और 2 के ऊपर यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन की चेन है, तो ये आपका 1 2 3 4 5, फील अच्छी आती है, आपका कहलाएगा 2-ब्यूटाइल। तो शायद 2-ब्यूटाइल के बाद कुछ ऑप्शन बचता नहीं मेरे हिसाब से, 2-ब्यूटाइल 2-ब्यूटाइल, क्योंकि कहीं सेट ही नहीं हो रहा यार, ये रहा 2-ब्यूटाइल, फिर पेंटेन, फिर डाइएमाइड। यस कंफर्टेबल है, कहीं कोई पंगा नहीं, आप आराम से आंसर लिख सकते हो। नंबर 11 ये जंगल का राजा था, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, गेम सेट है, कहीं कोई पंगा नहीं है। ये आपका COCl है, ये आपकी ब्रांच कहलाएगा, ये एनके क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, और पाई बॉन्ड की पोजीशन 5 आनी चाहिए, तो ऑक्ट के बाद देखो 5 कहाँ आ रहा है, ऑक्ट के बाद 4 नहीं 3 नहीं 3 नहीं, ये रहा 5 ही, फिर 1 ऑयल क्लोराइड, दैट्स योर आंसर इज सी विद दिस। अगला ऑप्शन बहुत ही मस्त तरीके से, कीटोन इधर भी है, कीटोन बाहर भी है, पर बेटा बाहर की ओर 4 ही कार्बन है, अंदर की ओर 6 कार्बन है, तो ये आपकी पेरेंट चेन कहलाएगी, पेरेंट चेन जहाँ शुरू होगी तो पेरेंट कार्बन चेन ये कहलाएगी, तो फिर ये जकीरा ब्रांच कहलाएगा।
आपको सिखाया था ब्रांच को आप अलग से फिर नंबरिंग दोगे, तो फिर से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, ये आपका हो गया 3 ऑक्सो। पर जुड़ा कहाँ है, टू सबसे पहले उसका टू नहीं सेट हो रहा, टू नहीं सेट हो रहा, बस हो गया 3 ऑक्सो ब्यूटाइल, ये आपका टू आ गया। फिर तो पता ही है साइक्लो हेक्सेन वन ऑन, ऑफकोर्स आपका आंसर सी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, आईपीसी नेम पूछा है, केटोन जंगल का राजा ये रहा, तो ये 1 2, तो ये पूरा जकीरा ब्रांच कहलाएगा, इसके लिए आएगा 1 फिनाइल, आई थिंक 1 फिनाइल ही आएगा। उसके बाद 2 कार्बन होने से नाम हो जाएगा इथेनॉन, क्योंकि आपको पता है ना इसका नाम था एल्केनॉन, कहलाना इथेनॉन, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अगला ऑप्शन के सामने ये अवेलेबल है, क्या जज करना है, तो भैया आपके पास साइनाइड जंगल का राजा है, तो भैया आपको पता है कि जो जंगल का राजा होता है उसी को हम प्रीफर करते हैं इस कहानी में, तो भैया ये जंगल का राजा यहाँ से होते हुए लोंगेस्ट कार्बन चेन को निपटा दो। अगर ये आपका ऑप्शन है तो भैया आपके पास 2 ब्रांचेज नहीं आ जाएंगी, आपके पास ये भी एक ब्रांच है और आपके पास ये भी एक ब्रांच है, ये आपका 1 2 3 4 5 कहलाएगा, वो ब्रांच हो जाएंगी 2,4-डाइमिथाइल वाली। तो लकीली 2,4-डाइमिथाइल एक ही ऑप्शन है, फिर पेंटेनाइट्राइल, दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। अगला यूपीएससी नेम पूछा है आपसे, तो भैया ये CHO अवेलेबल है, जंगल का राजा यही अवेलेबल, तो बस जहां जंगल का राजा शुरू होता है हमारी पेरेंट चेन के हिसाब से ये आपका मेन फंक्शन कहलाएगा, ये आपका मेन फंक्शन कहलाएगा, और मेन फंक्शन आते ही भैया बाकी 2 ब्रांच हो गए, तो ये आपकी ब्रांच हो गई, ये आपकी ब्रांच हो गई, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, और बाकी दोनों ब्रांच 2,6-डाइमिथाइल कहाँ सेट हो रहा है, 2,6-डाइमिथाइल यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, हेप्टा हेप्टा चलेगा, 2,5 2,5 चलेगा, अब बताओ ओइक कैसे चलेगा, अली तो आना चाहिए, तो पक्का आपका आंसर दिल्ली आ रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, केवल पीछे। वैसे सच बताऊँ तो देखो एसिड नहीं आ रहा है, ओन नहीं आ रहा है, अल देख के भी जीत जाते हैं, सरनेम तो देख लिया होता। ये जंगल का राजा है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जंगल का राजा तो इस पूरी प्रजा को क्या लिखूं, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों से जुड़ी हुई है, अगर एक से जुड़ी होती तो इसका नाम साइक्लोहेक्साइल होता, पर चूंकि 2 से जुड़ी हुई है तो इसका नाम साइक्लोहेक्साइलिडीन होना चाहिए, तो बेटा आपके पास ऑप्शन आएगा साइक्लोहेक्साइलिडीन देन मिथेनॉन। आपको बता दूं सिंपल होने पर था साइक्लोप्रोपाइलिडाइन, अगर आपको रूल पता हो तो सिंपल सा साइक्लोहेक्साइलिडीन देन मिथेनॉन बोल के आगे बढ़ जाना, वैसे इसको साइक्लो बोल के कुछ और ही फीलिंग आती है। अगला ऑप्शन आपको बता दो, सब कुछ ब्रांच के रूप में है, बस ये COH लिखा हुआ, तो C के बाद OH लिख दो। अब ये आपका आयसुरपाल कितनी बार है बेटा, 3 बार है, तो भैया 3 बार का मतलब ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, और ये भी एक ब्रांच है। अब रूल ये कहता है कि जंगल का राजा OH है, बट प्रॉब्लम है जंगल का राजा OH है पर उसके पास कार्बन नहीं है, तो पेरेंग कार्बन चेन होते समय बस यही आपकी पेरेंग कार्बन चेन कहलाएगी लाइक दिस। अगर ये आपकी पेरेंग कार्बन चेन कहलाती है तो बेटा फिर आपके पास ब्रांचेस आ जाएंगी, और ब्रांच के नाम पे आपके पास मिथाइल भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। अब रूल कहता है 1 2 3 4 5, 2,4-डाइमिथाइल और यहाँ 3 पर आ रहा है आइसोप्रोपाइल, तो बस गेम सेट कर लो, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा इस कहानी के लिए। तो 2,4-डाइमिथाइल, उसके बाद ये वापस आपकी ब्रांच है जिसको आप बोलोगे 1-मिथाइल इथाइल, उसके बाद बोलोगे पेंटेन 3-ओल, तो बस काम हो गया, 2,4-डाइमिथाइल फिर 3, तो 2,4-डाइमिथाइल फिर 3 फिर 1-मिथाइल इथाइल देन पेंटेन 3-ओल, दैट इज योर आंसर। आपको बता दो आपके पास 2 OH अवेलेबल है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, 5 कार्बन है, पेंटेन बोलो, लास्ट में 2,3-डायोल लिख देना, तो भैया ब्यूट तो नहीं आएगा, ब्यूट तो नहीं आएगा, पेंट आना चाहिए 2 पर पाई बॉन्ड 2 पर पहले आएगा, फिर 2,3-डायोल आ जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा सिंपल पेंट 2 इन, उसके बाद 2,3-डायोल। अगला, अगर 3 OH साथ साथ जुड़ जाए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलो 1 2 3 पेरेंग कार्बन चेन इज नोन एज ए प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ठीक है बेटा हाइड्रोक्सी आगे तो लिख ही नहीं सकते यार, आयोल लिखोगे तो ऐसे लिखो ना प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ताकि सबके सब पेरेंग कार्बन चेन में लाइन से एक साथ इज्जत के साथ आ जाएं। यहाँ पे मिथाल मिथाल दो, यहाँ ओ एस, तो जहाँ हम खड़े हैं मेन फंक्शन तो ये आपका MFG है, जहाँ हम खड़े होते हैं इसको 1 लिख के फिर सम्मान दो, फिर 3 4 5 6, तो भैया फिर सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा 3,3-डाइमिथाइल,
कहाँ लिख रहा है थ्री थ्री डाइमिथाइल पर वन हाइड्रोक्सी पहले लिख ही सकते हो, तो पीछे सरनेम होता है थ्री थ्री डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन वन ओल, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। सेम पैटर्न पे यहाँ दो कार्बन, यहाँ दो कार्बन, यहाँ एक, तो किसी एक को ब्रांच मान लेते हैं, मतलब एक को पेरेंट चेन मान लेते हैं, बाकी को ब्रांच। इसका मतलब वास्तव में ये कंपाउंड ऐसा होना चाहिए NH2 के रूप में, फिर आपने HH को हटा दिया तो बेटा कुछ नहीं होता, तो इसका नाम होता है इथेनेमीन। अब इथेनेमीन पे अगर दो ब्रांच आ रही हैं तो क्या करोगे भैया, इसका नाम एन इथाइल, इसका नाम एन मिथाइल, तो पहले एम तो आ ही नहीं सकता, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनेमिन, दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। अगला पूछा है इस कहानी में आपका करेक्ट आईयूपीएसी नेम, तो वन क्लोरो वन इथोक्सी प्रोपेन, ये प्रोपेन दे रखा है, वन क्लोरो वन इथोक्सी, या तो वन क्लोरो वन इथोक्सी प्रोपेन, तो ऑल द फॉलोइंग रिमार्क करेक्ट एक्सेप्ट पूछा। हाँ तभी तो क्यों पंगा क्यों हो रहा है इस कहानी में, ये आपका 1 2 3 ऑफ कोर्स सही आंसर दिख रहा है। अगला ऑप्शन देखिएगा, लिखा है वन अमीनो वन इथोक्सी प्रोपेन, वन अमीनो वन इथोक्सी, बेटा ये आपका MFG है, ध्यान से मेन फंक्शन ग्रुप है, ये अमीनो पहले कैसे आ गया, वास्तव में चाहिए वन इथोक्सी प्रोपेनेमीन आना चाहिए था भैया यहाँ पे। आपका आंसर बॉम्बे, यानी आपका बॉम्बे गड़बड़ है भैया। फिर भी चेक कर लेते हैं, वन इथोक्सी प्रोपेन टू ऑल, तो ये आपका वन इथोक्सी हो गया और ये वन टू पे ओवल आ रहा है, तो ये तो बराबर से चल रहा है, ये सही है। वन इथोक्सी प्रोपेनेमीन ये भी सही, तो भैया पक्का एमिनो को पहले लिखना प्रीफिक्स के रूप में, यही गलती है, आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगला पूछा यूपीएससी नेम जो कि करेक्ट होना चाहिए, क्या लिखा है, वन ब्रोमो थ्री क्लोरो फोर आयोडो साइक्लोहेक्सेन, तो देखो क्या लिखा है, ये आपने बनाया वन ब्रोमो, उसके बाद थ्री क्लोरो फोर आयोडो, बेटा अगर आप सही में मिनिमम लोकेशन रूल को जानते हो तो मिनिमम लोकेशन के हिसाब से आपकी नंबरिंग तो ये होनी चाहिए थी, क्योंकि तो मैं अपनी लोकेशन 1 2 4 बताऊँ, इसने आपकी लोकेशन 1 3 4 जो कि गलत बताई है, नाम होना चाहिए था फोर ब्रोमो, यानी वन की जगह फोर ब्रोमो, की जगह टू क्लोरो और ये होता वन आयोडो, ये सही नाम था। अगला ऑप्शन बॉम्बे देख लेते, क्या लिखा है, टू मिथाइल पेंटेन फाइव ओल, अब बताओ ये वन टू टू मिथाइल, ये बेटा जंगल का राजा, ये तो वन टू थ्री फोर फाइव आना चाहिए था ना, तो फोर मिथाइल आना चाहिए था, टू की जगह फोर होता और ये वन होना चाहिए था, तो बी भी गड़बड़ है इसका मतलब। ऑप्शन सी 2,5-डाई-इथाइल-हेक्सेन, हेक्सेन बना लिया, टू पर इथाइल बना दिया, थ्री फोर फाइव पे इथाइल बना दिया, अब ढक्कन हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से ये नंबरिंग होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दो ब्रांच तो हो जाएगी, तो पहली बात तो ब्रांच होगी थ्री और सिक्स पे, और डाई मिथाइल आएगा और ये हेक्सेन थोड़ा ऑक्टेन आएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये भी गड़बड़ है। अगला ऑप्शन नंबर दे ली, फिर बचा क्या है, 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो भैया पेंटेन बना लिया, टू पे बना लिया, थ्री पे बना लिया, भैया आपका 1 2 3 4 5, कहीं पंगा नहीं, पक्का योर आंसर इज दिल्ली, मतलब ए भी गलत बी भी गलत सी भी गलत, इसको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। अगला आपसे पूछा गया है, बताओ करेक्ट स्ट्रक्चर किसका, एन इथाइल एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन टू, इन एन पर तो कुछ है ही नहीं चलेगा, यानी एन मिथाइल तो है पर एन इथाइल नहीं, ये आपका एन मिथाइल एन इथाइल, आगे ये आपका 1 2 3 4 5 6, टू पर इन भी आ रही है, तो पक्का आपका आंसर सी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्स थ्री इन ऑल, यानी थ्री इन वन ऑल आएगा, तो भैया जंगल का राजा, तो 1 2 3 ये होना चाहिए, तो पाई बोन तो वन पे आएगा, नहीं चलेगा, ये आपका वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री, थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्स थ्री इन, थ्री नहीं आ रहा, ये तो टू पे आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा, ये आपका ऑप्शन ये वन, फिर 1 2 3 4 5 6 थ्री मिथाइल चलेगा, साइक्लोहेक्स फिर थ्री, यस थ्री पे पाई बोन, ये भी चलेगा, फिर थ्री इन के बाद वन ऑल कंफर्टेबल, आपका आंसर सी आना चाहिए। अगला आपसे यूपीएससी ने पूछा, पर बता दो जंगल का राजा कौन है, तो भैया पाइबोन तो है नहीं, OH पहले जीतेगा, तो ये आपका वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर, ये आपका फाइव, ये भी आपकी ब्रांच और ये भी आपकी ब्रांच, पांच कार्बन का गेम सेट कर लिएगा, आप बताओ क्या लिखे हैं, तो भैया थ्री पर मिथाइल सब में ही आ रहा है भैया, पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ, वन ऑल वन ऑल, फाइव तो नहीं आ सकता, वन ऑल दो ही ऑप्शन है, फोर एन भी बराबर आ रहा है, टू पेंटीन भी आ रहा है, बस अब क्लोरो चेक कर लो क्या आएगा,
तो भैया 5 क्लोरो ही तो आएगा 5 लोकेशन पे, तो भैया सी आंसर आना चाहिए, 1 क्लोरो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे 5 ही ऑप्शन, सॉरी मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, सी ऑप्शन ही सही आ रहा है इस कहानी के लिए। अगला यूपीएससी ने पूछा जंगल का राजा ओएचएस को 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट करो, इसको फिर से ब्रांच बना लो 1 2 3 4, तो पहले लिखोगे 2 ब्रैकेट में फिर लिखोगे 3 मिथाइल ब्यूटाइल, तो पहले 2 लिखो फिर ब्रैकेट में लिखो 3 मिथाइल ब्यूटाइल। बेटा ये तो गलत है, ये 3 तो है पर आगे 1 नहीं लिख सकता इसका, यानी आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं इस कहानी में। आगे बढ़ लेते हैं, साइक्लोहेक्स 2 इन, 2 पे पाइवोन दिख रहा है यस, और 1 पे ऑल जंगल का राजा है, पक्का आपका आंसर ये आना चाहिए। अगला क्या लिखा तो चेक करो, ये जुड़ा है एन से, ध्यान से, ये जुड़ा है सी से और ये जुड़ा है सी से। रूल कहता है जहां सी से जुड़ा होता है ना वो आपकी पेरेंट चेन होती है, इसका मतलब ये जखीरा ब्रांच कहलाएगा, क्योंकि वो एन से जुड़ा है, वो लिखते समय ऐसे यूज होता है, याद करो आपको पता ही है। तो भैया 2, उसके बाद लिखोगे आइसोनाइट्राइल मिथाइल, तो आई थिंक 2 के बाद कुछ बचा ही नहीं बिकॉज कहीं और 2 आ ही नहीं रहा। फिर ब्यूटेन 1,4-डाइनाइटर, तो छोटी सी बात थी, देखो कहाँ से जुड़ा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कहाँ जुड़े हो, देखो ये जुड़ा है एन से, ये जुड़ा है सी से, तो बॉन्ड दिख रहा है बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ जुड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी सी गलती कर दी। हाँ अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो फिर मैं 1 2 3, मैं इसको सिंपल था प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोनेटर, बट मैंने एक एन को जुड़वा के लोकेशन को हल्की सी शिफ्ट करवा के पूरे कंसेप्ट की वाट लगा रहा है। अगला ऑप्शन आपके सामने है, क्या पूछा रॉन्ग यूपीएससी नेम, क्या पूछा इथाइल, तो बेटा ये आपका इथाइल हो गया, ये आपका 1 2 3 4, ये आपका सही आंसर हो रहा है, 1 2 3 4 5 पंगा ले लिया भैया, ये आएगा 3, ये कहाँ गए, आना चाहिए था 3 मिथाइल पेंटेनल, तो पक्का आपका आंसर बॉम्बे गड़बड़ कर रहा है, भी चेक कर लेते हैं, वो है जंगल का राजा, तो 1 2 3 4 सही बात आ रही है, ये कीटोन है तो 1 2 3 4, ये भी आ रहा है 2 मिथाइल 3 पेंटेन सही, तो भैया पक्का बॉम्बे, चूंकि उसने रॉन्ग पूछा है तो हम रॉन्ग देख के आंसर दे सकते हैं। अगला पूछा यूपीएससी नेम, जंगल का राजा कौन है COS, तो इसको 1 2 3 4 5, ये आपका कहलाएगा ब्रांच, 5 कार्बन है और जंगल का राजा ओई के, तो मेरे हिसाब से तो डाइऑन गलत, कोल गलत, यही आ गया यार, दिमाग मत लगाओ, 4 ऑक्सो पेंटेनों एक ऐसे पक्का दे लिया आंसर, दिमाग ही मत लगा। अगला ऑप्शन जंगल का राजा कीटोन दिख रहा है, तो भैया इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, तो काम हो गया आपका, तो अच्छा क्या कहोगे 3 इथाइल, तो भैया देखो ये गलत है, ये गलत है, 3 इथाइल आ रहा है, आगे देखो 4 मिथाइल चलेगा, हेप्ट 6 इन, अब यहाँ हेप्ट के बाद देखो क्या रहा 5 इन, तो 6 गलत हो गया, 5 इन और 2 ऑन, कंफर्म आपका आंसर यहाँ पे डेली आना चाहिए। तो यहाँ तक आपका पार्ट नंबर सेकेंड है, ये पार्ट नंबर थर्ड में जाएगा, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, पार्ट सेकेंड में बस इतना सा, ठीक है, हैव अ गुड डे।